आज हम कोलिजन स्टार्ट करते हैं। कोलिजन को सबसे पहले मैथमेटिकली कोई डिफाइन करने की कोशिश करें, जैसे मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करते हैं, हाउ डू यू डिफाइन कोलिजन। तो कोलिजन में डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि जैसे अगर मान लो कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं और वो दोनों ही किसी एक पोजिशन को साइमल्टेनियसली अटेन करने का कोशिश करते हैं, मतलब किसी एक इंस्टेंट पे एक ही जगह पे दो लोग एक साथ जाने का कोशिश करते हैं, तब जो इवेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, अब ये कोलिजन का डेफिनेशन हो गया। मतलब कोलिजन जानते तो सभी है क्या होता है, बट मैं डिफाइन करने का तरीका कह रहा हूँ कि अगर किसी को डिफाइन करना हो कोलिजन तो क्या होगा। अब कोलिजन के वक्त जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कोलिजन जब होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तो फिर कोलिजन में फोर्सेस कैसे लगते हैं, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना है। तो मैं यहाँ पे आपको फिलहाल के लिए पहले कुछ नॉमेनक्लेचर्स बता रहा हूँ कोलिजन से रिलेटेड, वो पहले आप ध्यान रखो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं, आई एम टू टेकिंग टू ऑब्जेक्ट्स इन कोलिजन। मान लेते हैं किसी एक को हमने ए कह रखा है और किसी दूसरे को बी कह रखा है। मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, आप देखो इधर। जैसे मान लेते हैं दिस इज वन ऑब्जेक्ट, आई एम टेकिंग दिस टू बी ए एंड ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, आई एम टेकिंग दिस टू बी बी। दोनों का साइज अलग हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दीज आर टू ऑब्जेक्ट्स, ये ए एंड बी है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अगर कोलिजन होता है तो कोलिजन के वक्त हम दो चीजें डिफाइन करते हैं। एक होता है सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एक ड्रॉ करते हैं। एक मिनट रुकिए, ये देखो, ये जो एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, ऑरेंज कलर की डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, इसको कहते हैं सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है। सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट खुद में ही आपको समझ आना चाहिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ए और बी जहां पे टच में है वहां पे जो आप एक टेंजेंट जहां पे ड्रॉ करोगे, जहां पे वो टच कर रहा है उस टेंजेंट से एक प्लेन ड्रॉ कर लो, तो वो प्लेन बेसिकली क्या है, आपका सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो इस लाइन को ये जो हमने ड्रॉ कर रखा है, दिस पर्टिकुलर लाइन, this will be called as surface of contact. ठीक है, इस surface of contact के perpendicular एक और line draw करो, surface of contact के perpendicular. This line drawn is perpendicular to surface of contact. ठीक है, ये देखो, so ये वाली line को कहते हैं, this is line of action. Line of action. इसको LOA में लिखूंगा हमेशा इस चैप्टर में। ठीक है, दिस इज LOA। देखो नाम ऐसा क्यों दे रहे हैं, अब उसके पीछे एक लॉजिक बताता हूँ। सबसे पहला, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट को तो डिफाइन करने का कोई तरीका नहीं, मतलब बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पे कॉन्टैक्ट हो रहा है वो सरफेस बेसिकली, उसको सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट कह रहे हैं। नॉर्मली कोलिजन्स में हम क्या करते हैं ना, जब तक आपको बोला ना जाए एक्सक्लूसिवली तब तक हम ये मान के चलते हैं कि फ्रिक्शन बिटवीन दी सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट नहीं है। वी डू नॉट अज्यूम फ्रिक्शन बिटवीन सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट अंटिल एंड अनलेस इट इज एक्सप्लिसिटली सेड that there is roughness between the surface. ठीक है, तो अगर surface of contact को हम smooth मानते हैं तो उस केस में अगर collision में हो, और imagine करो कि A और B आपस में collide कर रहे हैं और surface में slipping भी हो रही है, तो क्या friction act करेगा वहां पे? नहीं करेगा ना, right? आपको पता है ना contact force के दो component होते हैं, आपको पता है ना contact force के दो component होते हैं, एक जो parallel to surface of contact होता है और एक दूसरा perpendicular to surface of contact. तो पैरेलल टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट वाला जो फोर्स है उसको हम अभी फिलहाल के लिए रूल आउट कर रहे हैं, बाद में ये भी बताऊंगा कैसे हैंडल करना है, बट फिलहाल के लिए हम उसको रूल आउट कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन अगर नहीं है तो कॉन्टैक्ट फोर्स अब कौन सा बना, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन ना होगा, नहीं होगा? यस सर। हां सर। तो ए पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, बी जो लगाएगा ए के ऊपर, वो कैसा लगाएगा? देखो, तो क्या मैं डायरेक्शन सही मेंशन कर रहा हूं? आई एम मेंशनिंग दिस करेक्ट डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, सही लिख रहा हूं मैं? क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स इन कोलिजन है वो किसके अलोंग है, इस लाइन के अलोंग ही है जिसको हम लाइन ऑफ एक्शन कह रहे हैं। लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस लाइन पे फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, इंपल्सिव फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन जो एन ए बी और एन बी है, ये ऑब्वियसली इंपल्सिव फोर्सेस होंगे। इंपल्सिव कैसे पता चल रहा है, क्योंकि सोच के देखो कोलिजन का जो ड्यूरेशन होता है क्या वो बहुत बड़ा होता है या बहुत छोटा होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में भी उस कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम चेंज होता है, नहीं होता है? होता है। तो फाइनाइट मोमेंटम चेंज इन एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम ड्यूरेशन, तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी निकालोगे तो बड़ा वैल्यू आएगा, नहीं आएगा? तो इसलिए ये नॉर्मल रिएक्शन जो भी हमने दिखा रखा है, दीज आर इम्पल्सिव फोर्सेस, ये इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन है।
और नॉर्मल रिएक्शन जिस लाइन पे ऐड करती है उसी को हम क्या करें, लाइन ऑफ एक्शन कह रहे हैं। तो लाइन ऑफ एक्शन बेसिकली फोर्स ऐड करती है, उसके अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर किया गया है। आपको समझ आई क्या बोला मैंने अभी तक? ठीक है, तो जो चीज मैंने बोली है उसको पहले लिख दिया हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, specified otherwise, we assume surface of contact to be smooth. Okay? Therefore, there will be no forces on the colliding objects along surface of contact. ठीक है, अब दूसरी चीज, the normal reaction between the colliding objects will be along the line of action, which is perpendicular to surface of contact, ठीक है? अब देखो, अगर ये लोग ऐसे कोलाइड कर रहे हैं तो इन दोनों कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करके सिस्टम की तरह सोचें, तो क्या कंबाइन सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है इंपल्सिव? No, नहीं है ना। तो इस तरह के सिचुएशन में कंबाइंड सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स नहीं है, तो इस वजह से आप मोमेंटम पूरे सिस्टम का कंजर्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिफोर कोलिजन मोमेंटम एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सेम रहेगा नहीं रहेगा? तो इसको भी मेंशन कर लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? इंटरनल फोर्स है। द नॉर्मल रिएक्शन मतलब ये NBA and NAB जिसको कह रहे हैं, is internal for system of colliding masses. Thus, the net linear momentum of the system will remain conserved. कब कंजर्व रहेगा? बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन या ऑल स्टेजेस ऑफ कोलिजन आल्सो? कब? बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन या इंक्लूडिंग स्टेजेस ऑफ कोलिजन? बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर। क्यों? ड्यूरिंग कोलिजन में क्या प्रॉब्लम है? ड्यूरिंग कोलिजन में क्या ये एक्सटर्नल फोर्स है क्या सिस्टम कहां? ये तो इंटरनल है ना, ये इंटरनल या एक्सटर्नल है सब कंबाइंड मास के लिए? इंटरनल है। तो फिर कैसे मोमेंटम आप चेंज कर रहे हैं? तो फिर आप बिफोर एंड आफ्टर कैसे इक्वेट कर रहे हो? तब आप तो जब तुम्हें इसको अगर एक्सटर्नल फोर्स की तरह अगर सोच रहे हो तुम, इफ यू आर थिंकिंग दिस एज एन एक्सटर्नल फोर्स, सो हाउ डिड यू कंजर्व मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन? टेल मी हाउ डिड यू कंजर्व मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इफ यू ट्रीटेड दिस टू बी एन एक्सटर्नल फोर्स? बोलो अर्गो, शांतोनील और इत्रो, बोलो। उन तीनों ने बोला सर, मैंने नहीं सर, मैंने बोला था बिफोर एंड आफ्टर, मतलब जस्ट बिफोर कोलिशन और जस्ट आफ्टर कोलिशन। और आप कुछ बोल रहे हैं, आपकी आवाज कट रही है बेटा, मुझे नहीं आ रही आपकी आवाज। चलो ठीक है, एनीवेज आपको सबको समझ आ गया ना, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है ये जब भी लग रहा है ये इंटरनल है सिस्टम के लिए, तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन बिफोर एंड आफ्टर नहीं, हर स्टेज में लगा सकते हैं, मतलब ड्यूरिंग कोलिजन भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप सिस्टम के लिए लगा रहे हैं, किसी एक के लिए नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, सो द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व बिफोर आफ्टर एज वेल एज ड्यूरिंग कोलिजन।
ठीक है, हमेशा कभी भी आपका कंजर्व मतलब वाइब्रेशन नहीं होगा. बट अगर इंडिविजुअल कोलाइडिंग मासेस के लिए बात करें तो क्या मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? No, sir. नहीं, क्योंकि ये जो नॉर्मल रिएक्शन अभी क्या है, एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स है. तो फिर आप यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते इंडिविजुअल मासेस के लिए. बट हाँ, अगर मुझे कोई एक डायरेक्शन बोल दे तो उस डायरेक्शन में लगा सकते हैं. किस डायरेक्शन में? अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट लगा सकते हैं क्या? हाँ सर, उस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है एक्सटर्नल. एग्जैक्टली, ए पे जो फोर्स लगा है वो अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन लगा है, बी पे भी जो फोर्स लगा है वो अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन लगा है. तो इसका मतलब अगर इनकी कोई भी मोमेंटम, इनकी इंडिविजुअली की बात कर रहा हूँ, इनकी इंडिविजुअली कोई भी मोमेंटम अगर परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ एक्शन मतलब अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट होती, तो उस केस में आप उस डायरेक्शन में इंडिविजुअल मासेस का भी मोमेंटम कंजर्व करा सकते थे, कॉम्बाइंड मास सिस्टम का हर डायरेक्शन में, बट इंडिविजुअल मासेस का ओनली अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट. समझ आई? Yes. ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान रखो क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में ये थ्योरेटिकल चीजें काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, फॉर इंडिविजुअल मासेस, फॉर इंडिविजुअल मासेस एन ए बी एंड एन बी ए आर एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्सेस अलोंग लाइन ऑफ एक्शन and hence the momentum of individually A and B will change along LOA, along the line of action, but along the surface of contact, along the surface of contact, as there is no friction, the momentum of individual masses will also remain conserved. इतनी बातें सबको समझ आ गई है? ये सारी थियोरेटिकल बातें अभी बोली मैंने, ठीक है? Yes. इतनी बातें सबको समझ आई है? Yes. ठीक है. बट ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट रुकिए. चलो ठीक है, इतने दूर से समझ आ गई है. बट ये ध्यान रखो कि हम ये मान रहे हैं कि इन दोनों को कॉम्बाइंड मासेस में कोई और एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, कोई और एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है. ठीक है, मतलब और एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्सेस नहीं है. बेसिकली ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है कि एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्सेस किसी एक डायरेक्शन में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है. जैसे अगर इमेजिन करो, ऐसा एक सिचुएशन है, सोचो ये इमेजिन करो, जैसे ये इमेजिन करो एक वेज है, ठीक है, इसको मान लेते हैं ए है, और मान लो कि यहां से ये एक ऑब्जेक्ट है बी, ये आके इधर से इससे टकराता है, ठीक है, इट कोलाइड्स विद इट. मान लेते हैं इसका कुछ एक वेलोसिटी यू वन था, ठीक है, और ये वेज मान लेते हैं फिलहाल के लिए अभी रेस्ट पे था, ठीक है, दिस वॉज एट रेस्ट. तो टकराएगा, तो उस केस में सोचो इन दोनों के बीच में जब कोलिजन होगा,
तो कोलिजन का सरफेस कैसा होगा सोच के देखो, ऐसा कुछ होगा ना, होगा? हाँ सर। मैंने आपको बोला है फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके चलना है, राइट? तो फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन तो दिखाएंगे ना बाबा, तो नॉर्मल रिएक्शन आप दिखाओगे तो इस पे इधर दिखाओगे परपेंडिकुलर टू सरफेस, दिस विल बी नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, और वही नॉर्मल रिएक्शन वेज पे जब आप दिखाओगे तो इधर दिखाओगे, दिस विल बी नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, ये आएगा? यस सर। हां सर, ठीक है। हां सर, अब एक चीज सोच के देखो, तुमसे अगर कोई बोले कि इस ए और बी वाले सिस्टम के लिए भी हर डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते सिस्टम के लिए ए और बी के लिए, मतलब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सारे डायरेक्शन में कर नहीं, सकते या कर नहीं? सकते सर। क्यों सर? क्योंकि जब ये ए ने भी लगेगा वेज पे तो फिर तो वेज पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है ना इंपल्सिव। परफेक्ट, तो वेज परफेक्ट, तुम वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, जैसे यहाँ पे मैं वेज को एक बार कंप्लीट करता हूँ, आप देखो एक बार, आप ये सोच के देखो, ये जो नॉर्मल रिएक्शन जो हमने दिखा रखा है एनएबी का, एनएबी का एक वर्टिकल कंपोनेंट है या नहीं सोच के देखो, डज इट हैव अ वर्टिकल कंपोनेंट? ये एंगल को अगर थीटा मान लें तो ये एंगल भी थीटा, तो ये एनएबी कॉस थीटा आएगा, और इधर से आएगा आपका एनएबी साइन थीटा, आएगा? आएगा सर। अब ये सोच के देखो, ये जो एनएबी कॉस थीटा है ये तो वेज पे वर्टिकली नीचे लग रहा है, सॉरी, बट क्या वेज नीचे की तरफ जा सकता है? नो। तो इसका मतलब कि नीचे उसको जाने से रोकने के लिए ग्राउंड का सरफेस उस वेज पे नीचे से एक इंपल्सिव फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? यस सर। अब ये सोच के देखो, ये जो ग्राउंड ने नॉर्मल रिएक्शन लगाया क्या ये भी इंपल्सिव हुआ ही नहीं हुआ? क्योंकि NAB cos थीटा को रोकने के लिए तो NG जो चाहिए वो भी तो इंपल्सिव चाहिए, राइट? Yes, right? तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाली जो फोर्स हमने दिखा रखी है, ये वाली, दिस बिकम्स एन इंपल्सिव फोर्स और नॉट, राइट? दिस इज इंपल्सिव एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स फॉर ए प्लस बी सिस्टम। तो इस केस में ये किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। वर्टिकल, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन हम सिस्टम के लिए किस डायरेक्शन में नहीं लगा सकते, वर्टिकल। वर्टिकल, समझ आई आपको? सो देयरफॉर मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन फॉर सिस्टम या फॉर सिस्टम या, समझ आई? बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना, देखो एन जी तो है तो वर्टिकल है, और एन ए बी का जो कॉस, एन ए बी का जो साइन थीट आपने उधर दिखाया है वो बॉल पे भी तो लगेगा ना, लगेगा नहीं लगेगा? आप अगर उसके एन एन बी ए वाले का जो भी कंपोनेंट आपने ब्रेक करते हैं तो वही सेम कंपोनेंट तो आते हैं, यहाँ पे एन बी ए का इधर हो जाता एन बी ए साइन थीटा और ये हो जाता एन बी ए का कॉस थीटा, दैट्स इट। देखो एन बी ए साइन थीटा इधर लेफ्ट की तरफ है और उधर से एन ए बी साइन थीटा देखो राइट की तरफ है, तो कॉम्बाइन सिस्टम पे कोई क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स रहा हॉरिजॉन्टली? नहीं रहा ना। तो उस केस में आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह के केसेस में आप मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। सो दस इन एब्सेंस ऑफ As there is no net external force in horizontal direction on system A plus B, momentum remains conserved along horizontal, ठीक है? अच्छा अब ये बताओ मुझे, बॉल के लिए आप कौन से डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं? बॉल के लिए कौन से डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं?
बताओ पैरेलल टू द इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल थप्पड़ मारूंगा हॉरिजॉन्टल कैसे हुआ एनबीए जो दिखा रखा है तुमने उस एनबीए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं दिख रहा तुमको एनबीए साइन थीटा हाँ देवाद्रेज हाँ तुमको एनबीए साइन थीटा नहीं दिख रहा है हाँ सर क्या वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बी के लिए हाँ सर तो फिर कैसे मोमेंटम कंजर्व कर रहे हो अभी क्या सीखा था तुमने जब इंडिविजुअल मासेस के लिए हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं तो किस डायरेक्शन में लगाते हैं लाइन ऑफ एक्शन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसा कुछ सीखा था आपने yes, हाँ सर इंडिविजुअल मास के लिए किस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं देवादेश अब बताओ मुझे सोचो ना बाबा किस डायरेक्शन में फोर्स आती है और किस डायरेक्शन में नहीं आती है जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं आती है उस डायरेक्शन में आप मोमेंटम सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट दैट्स इट सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट तो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट तुमको दिख नहीं रहा बी और ए का कैसा है बताओ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है तुमको हाँ सर फिर कौन सा है वो अलोंग द इंक्लाइन है ना हाँ सर तो फिर अलोंग द इंक्लाइन बी का मोमेंटम क्या रहता है कंजर्व रहता Got it? हाँ सर समझ गया उल्टी पुल्टी चीजें नहीं करो सिस्टम के लिए आप हर डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं अगर कॉम्बाइंड मास सिस्टम के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है अगर कॉम्बाइंड मास सिस्टम के लिए जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स आ गया उस डायरेक्शन में आप कॉम्बाइंड मास सिस्टम के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते बट इंडिविजुअल कोलाइडिंग मासेस के लिए सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के अलॉन्ग आप हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं अगर सरफेस स्मूथ है तो अगर सरफेस रफ होगा तो उस डायरेक्शन में भी आप मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते क्योंकि उस डायरेक्शन में भी एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा आर यू गेटिंग इट यस सर ठीक है चलो अभी तो मैंने आपको बस इतना समझाया कि किस डायरेक्शन में आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं किस डायरेक्शन में नहीं लगा सकते किसका लगा सकते हैं अभी बस इतना समझाया अब मैं आता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन पे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन कोलिजन को हम क्या करते हैं दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन कोलिजन इज ऑफ टू टाइप्स दो तरह के होंगे एक को कहते हैं हेड ऑन कोलिजन हेड ऑन हेड ऑन कोलिजन जैसे नाम से समझ में आना चाहिए कि इसमें जो कोलाइडिंग मासेस का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है ना वो अलोंग द लाइन ऑफ मोशन होता है मतलब बिफोर कोलिजन अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कोलाइडिंग मासेस देखोगे तो दैट विल बी अलोंग द लाइन ऑफ मोशन दैट्स इट इतना सिंपल सा डेफिनेशन है सो इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कोलाइडिंग मासेस is along LOA, line of action, before collision, then it's a head-on collision. It's a head-on collision. मतलब simple terms में अगर दिखाएं तो कुछ ऐसा होगा जैसे ये एक object हमने लिया let us say this is A and imagine करो कि ये दूसरा object है Let us say this is B. और ये मान लो इधर जा रहा है with some velocity U1 और ये इधर जा रहा है with some velocity U2 और A ने जाके imagine करो B से टकराया तो टकराने का जो event होता है during collision कैसा दिखता ये तो before collision है this is before collision अगर during collision का draw करते हो तो कैसा दिखता इसको pass ले आते हैं कलिए ऐसा ही कुछ होता ना होता राइट दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया दिस इज ड्यूरिंग कोलिजन और ड्यूरिंग कोलिजन जैसे ही हुआ तो अब ये वेलोसिटी चेंज हो जाती है होती नहीं होती
क्योंकि फोर्स लगता है ना, होती सर हाँ राइट right? ये देखो ये लाइन ऑफ एक्शन है, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर राइट, ये लाइन ऑफ एक्शन है, दिस इज एल ओ ए, तो फोर्स इस पे लगती है इधर, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, बी पे भी लगता, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, और देखो ये अब U1 की वैल्यू को कम कर देता तो U1 डैश हो जाता और U2 की वैल्यू को बढ़ा देता U2 डैश हो जाता, आपको समझ आ रही है? हाँ सर। तो ये हेड ऑन कोलिजन का केस है जिसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कोलाइडिंग मासेस अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। दूसरा कोलिजन है ऑब्लिक कोलिजन, द सेकंड कैटेगरी इज ऑब्लिक या फिर इसेंट्रिक भी कहते हैं, ऑब्लिक और इसेंट्रिक कोलिजन। अब कोई भी कोलिजन अगर हेड ऑन नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्लिक। अब कोलिजन विच इजेंट हेड ऑन, इजेंट हेड ऑन इज इसेंट्रिक, जैसे अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, दिस इज ए एंड लेट अस से दिस इज बी, एंड मान लो ए जो मूव कर रहा था वो इस तरफ मूव कर रहा था, दिस वाज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए, बी को किधर भी मूव कर रहा था कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो बी इधर मूव कर रहा है, अब इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा तो फिर सोच के देखो, अगर मैं थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन ड्रॉ करूं तो इस केस में अगर मैं इसको ड्रॉ करूं वापस से, दिस इज बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन का अगर ड्रॉ करें, जस्ट ड्यूरिंग कोलिजन करें, ऐसा ही कुछ होगा, होगा ना, होगा? हाँ सर। यस सर। फिर से देखो, मैंने सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ किया, ये लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ किया, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन, आपको पता है लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ही फोर्स लगेगी, सो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए बी ड्यू टू बी एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू ए, तो इससे अगर आप देखोगे तो U2 जो है ये U2 तो चेंज हो जाएगा, U2 डैश हो जाएगा एंड दिस U2 डैश विल बी ग्रेटर देन U2, होगा नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि देखो उसको डायरेक्शन ऑफ मोशन में धक्का मिला है। अब U1 के अगर आप कंपोनेंट ब्रेक करते, सपोजली आप U1 के कंपोनेंट ब्रेक कर रहे हो, सोचो तो एक आप कर लो लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग, ठीक है, जस्ट ब्रेक टू कंपोनेंट्स ऑफ U1, डायग्राम पहले वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये देखो ये कंपोनेंट ब्रेक किया मैंने, इसको मैं कह रहा हूं दिस इज U1 पैरेलल, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट इसको इधर ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज U1 परपेंडिकुलर, मैंने पैरेलल परपेंडिकुलर किसके रिस्पेक्ट में करा है आपको समझ आ रहा है, parallel is with respect to line of action and perpendicular is along the surface of contact, है ना? हाँ सर। तो normal reaction on A due to B ये किसके along है? Line of action, तो कौन सा component change करेगा? U1 parallel या U1 perpendicular? U1 parallel to U1 parallel, तो इस केस में आप क्या करोगे? ये जो parallel component आप दिखा रहे हो, ये parallel component, आप इसको change कर दोगे, this will be U1 parallel dash लिखेंगे इसको, but ये जो U1 perpendicular होगा, U1 perpendicular, इसको अगर U1 perpendicular dash लिख रहे हो, तो आप sure होके कह सकते हैं, this will match with U1 perpendicular, समझ आ रही है? Yes sir. Yes sir. ठीक है, आप basic concept समझने की कोशिश करो कि forces जिस direction में होते हैं, उस direction में हम individual masses का momentum conserve नहीं कर सकते, बस जिस direction में force नहीं है, उस direction में तो momentum conserve कर सकते हैं, और momentum conserve किया और mass same है, इसका मतलब velocity भी same रहा होगा। Are you getting it? देखो आप ये चीजों को ना ग्रास्प करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल्स अगर ठीक रहेगा तो आप कोलिजन के सारे क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे, अगर फंडामेंटल्स ठीक नहीं रहेगा तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो आपको हमेशा डिफिकल्ट लगेगा। अभी जो आपको समझा रहा हूँ ये सारे कंसेप्चुअल चीजें हैं, इसमें न्यूमेरिकल कहीं पे भी मैं आया ही नहीं अभी तक, ठीक है, वी हैव नॉट कम टू न्यूमेरिकल, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि कोलिजन में किस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, किस डायरेक्शन में नहीं करा सकते, ठीक है। तो इसेंट्रिक कोलिजन भी आपको समझ आ गया क्या है? समझ आ गया? यस सर। हां सर। ओके, मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूं, आप इसको सोच के मुझे आंसर करना, ठीक है। कैरम सभी खेलते हैं यहाँ पे? कितने लोग कैरम खेलते हैं, एक बार हाँ बोलो। हाँ सर।
सब खेलते हैं, वाह सब खिलाड़ी हैं। अच्छा कितने लोग अच्छा खेलते हैं? हाँ बोलो, कोई नहीं खेलता? हाँ सर। ओके अच्छा कितने लोग को अपना अर्ली डेज याद है कैरम का? सर मैं। हाँ बोलो। मैं कौन है? मैं सर आई शरण्या। अच्छा शरण्या को याद है अर्ली डेज का? ठीक है देखना अभी मैं कुछ बोलूंगा आप कोरिलेट कर पा रहे हो नहीं इसके साथ, ठीक है? क्योंकि मुझे मेरा अर्ली डेज याद है, मैं उससे बेस करके आपको कुछ बताने वाला हूँ। आप लोग भी अर्ली डेज में वैसे ही किया होगा, क्योंकि अर्ली डेज में थोड़ी ना कोई अच्छा खेलना सीखता है, अर्ली डेज में तो हम सभी सीखते हैं, उसके बाद फिर बाद में एक्सपर्ट हो जाते हैं खेलते खेलते, ठीक है? मान लो कि यू नो जैसे कैरम दिखा रहा, कैरम बोर्ड दिखा रहा है, ठीक है? सपोजिटली मेरे पास एक सिचुएशन है, मान लो इमेजिन करो कि यहाँ पे क्वीन है, ठीक है? दिस इज क्वीन दैट आई एम ड्रॉइंग, ठीक है? एंड मान लो आपका स्ट्राइकिंग लाइन जो है नीचे वाला यू नो बोर्ड की तरफ है, बोर्ड के नीचे की तरफ है, मतलब आपको यहाँ से स्ट्राइक करना है। ये जो देखो मैं शेडिंग कर रहा हूँ, येलो लाइन से शेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है? आपका स्ट्राइकिंग लाइन ये है, इधर से स्ट्राइक करना है। तो आप याद करो जब हम लोग फर्स्ट इनिशियली खेलते थे, जब मैं इनिशियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मतलब आप एक्सपर्ट हो गए तो अब की नहीं बात कर रहा हूँ, जस्ट इनिशियल की बात कर रहे हैं। तो इसको सपोजली आपको पॉकेट करना है, तो आप क्या करते थे, आपको याद है? किसी को याद है क्या करते थे आप? आप सबसे पहले क्या करते थे, अपनी आईसाइट को इसके साथ एक लाइन में लाने की कोशिश करते थे, आपको याद है? हाँ सर। हाँ सर। है ना, एकदम बिल्कुल अपने आप को एकदम बिल्कुल ऐसे बिहेव कराओगे जैसे कि आप किसी को सच में शूट करने वाले हो, एकदम इधर से एक आंख बंद करके इधर से निशाना उधर से निशाना ऐसे लगा रहे हो ऐसे। एंड उसके बाद फिर क्या करते हो आप, अपने स्ट्राइकर को, आप अपने स्ट्राइकर को यहाँ पे पोजीशन करते हो और उसके बाद फिर उसको धीरे से छोड़ते हो। धीरे से क्यों छोड़ते हैं? नहीं तो फिर क्या होगा, पॉकेट ना हो जाए, क्योंकि स्ट्राइकर खुद पॉकेट ना हो जाए। तो आप क्या करते हो, इसको एकदम बिल्कुल धीरे से छोड़ते हो। कई बार तो इतना धीरे से छोड़ने की कोशिश करते हैं कि आप ही खुद उड़ जाते हो चेयर से, होता है ना? कई बार एकदम बिल्कुल धीरे से छोड़ रहे तो हम खुद ही उड़ जाते हैं, होता है? नहीं सर। तो अब जो लोग अच्छा खेलते हैं, अब ये बताओ मुझे कि क्या ये अच्छा स्ट्रैटेजी है? Is this a good strategy? नहीं सर। क्योंकि सर इससे कॉइन, इसके कॉइन का पॉकेट होने का चांसेस तो है, बट इससे ये भी चांसेस है कि तुम्हारा स्ट्राइकर भी पॉकेट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्राइकर तो काफी हैवी होता है ना, तो इसलिए अगर बहुत स्लो जाके वहां पे जाके उसको टच करके जस्ट गया तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा भी ज्यादा वेलोसिटी रहा तब से तो जाके वो भी गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्राइकर का क्या लाइन ऑफ मोशन चेंज होगा, आप ये बताओ मुझे, विल द स्ट्राइकर चेंज इज लाइन ऑफ मोशन? नो सर। नो सर। नो, क्योंकि उस देखो उसको ऑलरेडी मैंने लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग ही भेजा है, तो जो फोर्स लगेगा भी उसके ऊपर वो तो बैकवर्ड्स लगेगा, और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बैकवर्ड्स लेने से वो स्लो डाउन होगा, बट वो तो उसी डायरेक्शन में चलता रह जाएगा ना। आर यू गेटिंग इट? हां सर। हां सर। तो इसीलिए ये अच्छा स्ट्रेटजी तो नहीं हुआ। हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो आपको ये समझ आना चाहिए। डायग्राम में थोड़ा सा मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। आपको ये पता चल रहा है, आपको व्हाट योर अंडरस्टैंडिंग इज बेसिकली कि अगर आपको क्वीन को पॉकेट करना है, क्वीन को पॉकेट करना है तो क्वीन के ये वाले एंड पे देखो मैं ब्लैक डॉट से मार्क किया है, यहाँ पे स्ट्राइक करना पड़ेगा ना आपको? हाँ सर। ओके क्या ये मैटर करता है कि जो स्ट्राइकर आ रहा है वो किस डायरेक्शन से मूव करके आ रहा है? क्योंकि अगर वो इस ब्लैक वाले डॉट पे स्ट्राइक कर गया तो उसको वो पॉकेट कर देगा नहीं, ये सोच के देखो। हाँ सर। हाँ सर। मान लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने अपने स्ट्राइकर को यहाँ पे लाया, ठीक है? लेट अस से मैं स्ट्राइकर को यहाँ पे बिठा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे बिठा दिया मैंने, आई हैव फिक्स इट ओवर हियर। अब एक चीज सोच के देखो, सपोजिटली इमेजिन करो कि मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऐसा रहा होता, मतलब सॉरी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसा रहा होता, मैंने इसको इधर से शूट किया होता, ठीक है? मतलब मेरा जो बेसिकली स्ट्राइकर था वो इमेजिन करो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया एंड अब इसको इधर की तरफ वेलोसिटी दिया मैंने, आई गेव इट अ वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? तो अभी ये जब जाएगा तब भी इसका वेलोसिटी यहाँ पे होगा, होगा ना इस डायरेक्शन में? होगा सर। होगा। अब देखो जब ये इसको स्ट्राइक करेगा तो देखो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड लाइन ऑफ एक्शन देखो, जस्ट ऑब्जर्व दिस, दिस इज अ केस ऑफ ऑब्लिक कोलिजन, गुड यू ऑब्जर्विंग दिस। तो ये देखो ये जो ग्रीन कलर का लाइन ड्रॉ किया ये क्या है, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है ना? यस सर। हां सर। और उस डायरेक्शन में मोमेंटम इसका चेंज नहीं करेगा, तो वेलोसिटी के अगर कंपोनेंट्स ब्रेक करते
तो इस वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते थे, वी कुड हैव ब्रोकन टू कंपोनेंट्स, एक वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो चेंज नहीं करता, राइट, है ना? यस सर। हां सर, थोड़ा सा बड़ा कर दे। हां, सो दिस इज वी परपेंडिकुलर, ये आपका चेंज नहीं रहता, दिस इज अनचेंज्ड। बट अगर आप देखोगे तो इस केस में ये वाला जो एक कंपोनेंट है, सोच के देखो, जो वी पैरेलल, बस वो कम हो जाएगा ना, होगा नहीं होगा? हाँ सर। तो इस रेड वाला जो कॉइन था उसको तो फोर्स लग गया ना जिस डायरेक्शन में चाहिए था, इंपल्सिव फोर्स लगा ना। हाँ सर। तो क्या वो पॉकेट होगा या नहीं होगा? होगा सर, होगा सर। तुम्हारा स्ट्राइकर सेफ है या नहीं है? सेफ है। दैट्स इट। तो तुम इसको, इस स्ट्राइकर को तुम्हें अपने इनिशियल पोजीशन जो गलत जगह पे, मतलब तुम एक लाइन में जो स्ट्राइकर को और पॉकेट को और कॉइन को एक लाइन में रखने की कोशिश कर रहे थे, वो सबसे घटिया पोजीशन था, उसको छोड़ के कोई भी जगह से स्टार्ट करो, बस इम्पोर्टेंट ये है कि उसको स्ट्राइक कहाँ करना है, बस तुमको ये पता चलना चाहिए कि स्ट्राइक कहाँ करना है। अब वहां पे अगर स्ट्राइक करना है तो कहीं से भी मारो, इम्पोर्टेंट ये है कि उस जगह पे स्ट्राइक कर जाए। आर यू गेटिंग इट? यस सर। ये चीज आपको पता था, कितने लोग अच्छा कैरम खेलते थे, ये आपको पता था? हाँ सर। हाँ सर, अच्छी बात है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। बस आप नॉमेनक्लेचर जान गए, है ना? पहले ये नॉमेनक्लेचर नहीं जानते थे, अब नॉमेनक्लेचर भी जान गए, है ना? चलो, अभी आपको कम से कम ये पता चल गया यू नो कि कोलिजन में नाम कैसे दे रहे हैं, कि हेड ऑन कोलिजन या ऑब्लिक कोलिजन, ये कैसे दे रहे हैं। अब एक और क्लासिफिकेशन का एक और तरीका है, मैंने कोलिजन को ही क्लासिफाई करने का एक और तरीका है। इसके लिए पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूं, एक मिनट रुकिए, जस्ट अ सेकंड। ओके, आप ये बताओ मुझे, कितने लोगों को साउथ इंडियन मूवीज पसंद है? कितने लोगों को साउथ इंडियन मूवीज पसंद है? मुझे सर। किसी को नहीं? मुझे तो पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, अरुण अरुण कह रही है उनको पसंद है, अक्षत को भी पसंद है, इतने कम लोग, मुझे लगता है सर, यू नो, झूठ मुझे भी पसंद है, सबको एंटरटेनमेंट सर, मुझे सर मुझे भी पसंद है। उसमें मसाला बहुत होता है, यू नो कि बहुत ज्यादा मारधाड़ होता है, वो तो किस पर नहीं अच्छा लगता है, एक्शन मूवीज। उसमें एक चीज नोटिस किया आपने, जब किसी को कोई मारता है तो फिर उस केस में वो डिफॉर्मेशंस भी दिखाते हैं, जैसे गाल पे किसी ने किसी को मारा तो वो स्टेजेस को भी दिखाते हैं ना, उसको मार रहा है तो गाल का दबना, फिर गाल का डिफॉर्मेशन उठना, वो दिखाते या नहीं दिखाते? बट किसी को, किसी को, बट इमेजिन करो रियल लाइफ में किसी को मारा तो वो सब दिखता है क्या? नहीं सर। नहीं सर। इसका मतलब वो हो रहा है बट इतनी जल्दी हो गया कि पता नहीं चला, राइट? तो जितने भी कोलिजन होते हैं ना, जितने भी कोलिजन होते हैं उसमें जब आप उसको कोलिजन के ड्यूरेशन को कैप्चर करोगे ना, जो कोलिजन का ड्यूरेशन था सिर्फ उसको कैप्चर करोगे, तब आप उसमें देखोगे ना, जैसे कोलाइड करते हैं चीजें, तो बेसिकली पहले क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है, एक इंस्टेंट पे डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा होती है, और उसके बाद फिर डिफॉर्मेशन रिकवर भी होता है, और उसके बाद फिर दोनों क्या होते हैं, सेपरेट कर जाते हैं, यही होता है बेसिकली। तो कोलिजन में जैसे बॉल भी अगर दीवार पे स्ट्राइक कर रहा है तो ये वॉल फिक्स्ड है, इधर से क्या होगा, बॉल आएगा, उसके बाद इसको क्या करेगा, डिफॉर्म करेगा, डिफॉर्म करने के बाद फिर क्या होगा, अनडिफॉर्म होगा, फिर वापस अलग होगा, यही तो होगा ना? आर यू गेटिंग द आईडिया? तो इसका मतलब कि डिफॉर्मेशन होती है ना कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में, होती है सर। हाँ सर। अब डिफॉर्मेशन में सोच के देखो, तुम अपने हाथ को ही, दोनों हाथ को ऐसे दबाने की कोशिश करो, क्या उसमें पुशिंग फोर्सेस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? यस सर। राइट, ये बिल्कुल स्प्रिंग की तरह ना, जैसे आप स्प्रिंग को दबाते हो, जैसे अपने हाथ में बॉल ही पकड़ के सोचो, बॉल को दबाने की कोशिश करो तो वापस से आपको पुश बैक करता है, नहीं करता है? राइट, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है ना, इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, मतलब कि उस केस में आप अगर उसको दबाने की कोशिश करते हो तो वो वापस से रिस्टोर कराने की कोशिश करता है, जैसे स्प्रिंग करता है, स्प्रिंग को जब आप दबाने की कोशिश करते हो तो वापस से वो क्या करता है, आपको रिस्टोर कराने की कोशिश करता है या नहीं करता? इस केस में आप जो अगर सपोजली स्प्रिंग में आपने पढ़ रखा है कि आप अगर एज एन एक्सटर्नल एजेंट अगर स्प्रिंग को दबाते हो तो आपको वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, और वो वर्क कहाँ पे इन्वेस्ट होगा, वो वर्क बेसिकली कहाँ चला जाएगा, उसमें डिफॉर्मेशन एनर्जी में चला जाएगा या नहीं? हाँ सर। राइट, स्प्रिंग में स्प्रिंग दब गया तो उसमें डिफॉर्मेशन एनर्जी आई है नहीं आई है? सेम तरीके से जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सेम तरीके से सोचते हो, जब कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये दोनों जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, जैसे ए बी अगर मान लेते हैं, तो ए ने बी के सरफेस को डिफॉर्म किया ही नहीं किया? या?
तो इसका मतलब है कि उसने उसके ऊपर वर्क परफॉर्म किया या नहीं किया, राइट? फिर इस सेम तरीके से इसने इसके ऊपर वर्क परफॉर्म किया, जिसकी वजह से इनमें क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो गई ना डिफॉर्मेशन के फॉर्म में, राइट? आपको पता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व्ड है, अगर कोई डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है तो ये एनर्जी आया कहां से इसके पास, कहां से आया इनके पास ये एनर्जी? आपको याद है कोलाइडिंग मासेस के पास पहले तो काइनेटिक एनर्जी थी ना, हाँ सर, राइट? तो उस काइनेटिक एनर्जी का एक पार्ट क्या होगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर जब डिफॉर्मेशन वापस से रिकवर होगा, वापस से जब डिफॉर्मेशन खुलेगा, तो ये डिफॉर्मेशन का जो एनर्जी है वो वापस से कोलाइडिंग मासेस को मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ सर, समझ आ रही है? और अगर डिफॉर्मेशन पूरी रिकवर हो गई, मतलब जितनी डिफॉर्मेशन हो गई थी वो पूरी की पूरी रिकवर हो गई, तो उस केस में कोलाइडिंग मासेस का जितना एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ था डिफॉर्मेशन में, वो सारा का सारा उसने उसको वापस दे दिया ना। हाँ, वापस। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा नहीं रहेगा? सेम रहेगा सर। इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है? दिस इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। समझ आई आपको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है? हाँ सर, यस सर, ठीक है। yes, आप ये बताओ मुझे, आप ये बताओ मुझे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है? हाँ सर। बताओ। हाँ सर। आप अधूरा, आप देखो ना बात को बहुत ध्यान से सुना करो, मेरे क्वेश्चन क्या होता है, क्योंकि उसमें ना यू नो हमेशा लूप होल्स होते हैं, आपको स्टेटमेंट को जैसा बोला जाए वैसा इंटरप्रेट करना है। मैंने बोला कि क्या काइनेटिक एनर्जी को हम कंजर्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, तो आपको ये सोचना चाहिए था कि हम बिफोर एंड आफ्टर की बात कर रहे हैं या इंक्लूडिंग द ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन भी बात कर रहे हैं। अगर इंक्लूडिंग द ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन बोलूं तो क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है? नो सर। नो सर। डिफॉर्मेशन में तो एनर्जी गई थी ना? गई थी, हाँ सर। तो फिर काइनेटिक एनर्जी कैसे कंजर्व की आपने? व्हाट यू शुड हैव सेड इज कि सर इफ यू आर कंपेयरिंग बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन वी कैन कंजर्व द काइनेटिक एनर्जी, बट इफ यू आर कंसिडरिंग द ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन ऑल्सो यू कैन नॉट कंजर्व द काइनेटिक एनर्जी बिकॉज अ पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी हैड टू बी स्टोर्ड इन द डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। गॉट इट? यस सर। ठीक है, ये पहले टाइम स्पेसिफाई करना था। हाँ, टाइम स्पेसिफाई करना था, कब हो रहा है, कब के बीच में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? अब जो ये जो है ना, ये आइडियल सिचुएशन, एकदम बहुत ही आइडियल सिचुएशन है जहां पे यू नो कि आप बोलते हैं कि ना पूरा का पूरा रिकवर हो जाता है, ऐसे प्रैक्टिकली होता नहीं है। यू नो 99% रिकवर हो जाएगा तो बहुत है, बट यू नो 100% जो है वो रिकवरी कभी नहीं होती है। ये आइडियल सिचुएशन दिखा रखा है हमने। इसी का ठीक कॉन्ट्ररी होता है, इसका एकदम बिल्कुल उल्टा। जैसे मैंने बोला कि अगर 100% डिफॉर्मेशन रिकवर हो गई तो इसको परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे, बट अगर 100% जो डिफॉर्मेशन हुई है उसका 1% भी रिकवर नहीं हुआ, मतलब जितना डिफॉर्मेशन आ गया वो रह ही गया उस ऑब्जेक्ट में, तो फिर उस केस में इसको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। आपको परफेक्टली इनइलास्टिक समझ आया? हाँ सर। ठीक है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में डिफॉर्मेशन थोड़ी सी भी रिकवर नहीं होगी, तो इसमें क्या मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा या नहीं? हाँ सर। सो देयर विल बी अ मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन सच केसेस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है? और जो मोस्ट प्रैक्टिकल, ये भी जो है ये आइडियल सिचुएशन है, ऐसा कोई भी कोलिजन नहीं होता जो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। हाँ, अब एक आइडियल सिचुएशन की बात करें, जो मतलब जो प्रैक्टिकल केस की बात करें, प्रैक्टिकल केस में क्या होता है कि जैसे डिफॉर्मेशन थोड़ी सी रिकवर होती है, थोड़ी सी नहीं होती है। अगर थोड़ी सी रिकवर हुई, थोड़ी सी नहीं हुई है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा लॉस हुआ है, सारा नहीं हुआ है ना? हाँ सर। तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ इनइलास्टिक कहते हैं। अगर इनइलास्टिक बोला है तो मान लो कि पार्शियली है, मतलब बेसिकली परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं है और परफेक्टली इनइलास्टिक भी नहीं है, दोनों के बीच का है, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक के बीच का है, इसको सिर्फ इनइलास्टिक भी कहते हैं। सिर्फ इनइलास्टिक बोला है तो आप समझो कि सेमी इलास्टिक या फिर पार्शियली इलास्टिक। समझ आई आपको? यस सर। ठीक है, तो अभी जो मैंने क्लासिफिकेशन किया है कोलिजन का, ये बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ रिकवरी ऑफ डिफॉर्मेशन ड्यूरिंग कोलिजन है। अगर डिफॉर्मेशन पूरी की पूरी रिकवर हो गई तो इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, अगर डिफॉर्मेशन थोड़ी सी भी रिकवर नहीं हुई तो इसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, और अगर डिफॉर्मेशन थोड़ी रिकवर हुई, थोड़ी नहीं हुई, तो उसको बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ इनइलास्टिक कोलिजन। समझ आई? यस सर। ठीक है, तो मैं अब इसको जल्दी से लिख देता हूँ। सर। हाँ बेटा बोलो। सर। हाँ बेटा बोलो। हाँ, आपने जो बोला ना काइनेटिक एनर्जी का एक पार्ट डिफॉर्मेशन में चला जाता है, तो वो एक पार्ट क्यों बोला? मतलब एक पार्ट मतलब कुछ फ्रैक्शन, सारा का सारा थोड़ी ना गया है। मोमेंटम तो सिस्टम का कंजर्व था ना,
तो मोमेंटम कंजर्व था तो फिर सारे मासेस रेस्ट पे तो नहीं आएंगे ना, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी लेके चल रहे होंगे ना वो। हाँ सर, मतलब कोलिशन में भी कुछ वेलोसिटी रहेगा। हाँ okay. क्यों नहीं रहेगा, तो मोमेंटम मोमेंटम कंजर्वेशन वायलेट नहीं हो जाएगा अगर रेस्ट पे आ गया तो सारा। हाँ हाँ सर समझ में आया। ठीक है, देखो अभी चेक करो, अब मैं ये चीजों को जल्दी से जल्दी लिख देता हूँ फिर से। सो बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ recovery of deformation encountered during collision, collision is again classified into three categories, classified into three categories. Pehla, number one, perfectly elastic collision. Here, the entire deformation is recovered. Deformation is recovered. And hence, the kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after collision. But this is not equal to kinetic energy during collision. During collision, a fraction of the kinetic energy of colliding masses is stored as the elastic potential energy. Elastic potential energy in deforming the objects. This is similar to spring potential. Similar to spring potential. ठीक है, ये हो गया आपका perfectly elastic collision. Next है आपका perfectly inelastic. Perfectly inelastic. Here, the deformation is not recovered at all. Not recovered at all. And hence, there is a maximum loss of kinetic energy in such cases. Third case, sirf inelastic kehte hain, inelastic collision. This is the most practical case of collision. This is the most practical case of collision where the deformation is recovered to some extent, recovered to some extent, but not all. ठीक है, ये आपका inelastic collision का case है. Hence, here too, there will be
some loss of kinetic energy of the system. चलो ये चीज आपको डिटेल से समझा दी है, इसका लिखवा भी दिया. अब हम आगे आते हैं एक और टर्म पे, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन पे. लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या कहता है कि जब भी दो मासेस आपस में कोलाइड करते हैं, जब भी दो मासेस आपस में कोलाइड करते हैं, तो एक चीज देखी गई है कि उनके बीच में अगर ऑब्जेक्ट को आपने फिक्स रखा है तो आप कैसे भी कोलिजन करवाओ, चाहे वो हेड ऑन कोलिजन हो, चाहे वो ऑब्लिक कोलिजन हो, चाहे वो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करो, चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करो, एक चीज देखा गया कि उन दोनों का जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन देखा जाए और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन देखा जाए, तो इन दोनों का जो रेशियो आ रहा था ये कॉन्स्टेंट आ रहा था, और ये कॉन्स्टेंट को हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं. So, the law of restitution says, if two colliding objects are fixed, then irrespective of their magnitude and direction of velocity, direction of velocity before collision, it is found that the velocity of separation after collision, it is found that the ratio of the velocity of separation after collision and the velocity of approach before collision. Approach before collision is a constant quantity for the colliding objects. This constant is coefficient of restitution. Coefficient of restitution kehte hain isko, e symbol se indicate karte hain. तो इसको मैथमेटिकली जब आप लिखेंगे तो ई कैसे लिखेंगे, ई विल बी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. अप्रोच कब करेंगे, बिफोर कोलिजन या आफ्टर कोलिजन? बिफोर कोलिजन. बिफोर कोलिजन. और सेपरेट कब करेंगे, बिफोर कोलिजन या आफ्टर कोलिजन? आफ्टर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन. तो ये लिखने की जरूरत नहीं है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज आफ्टर कोलिजन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज बिफोर कोलिजन, ठीक है? ये ऑब्वियसली अंडरस्टूड है. ये जो E लिखा है मैंने, इसी को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कह रहे हैं. इस E की जो वैल्यू है ये देखी गई है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, मतलब हमेशा 1 से छोटा ही होगा. आप एक बार लॉजिकली सोच के देखो, अगर E की वैल्यू 0 दे रखी है इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है. हां सर. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होने का मतलब जो कोलाइडिंग मासेस हैं, सोच के देखो, अगर हेड ऑन कोलिजन है तो दोनों चिपक के एक साथ चलेगा ना आफ्टर कोलिजन, राइट? हां सर. इसका yes, मतलब डिफॉर्मेशन रिकवर ही नहीं हुआ, है ना? सेपरेट नहीं करने का मतलब क्या है, डिफॉर्मेशन रिकवर नहीं हुआ. Yes, sir. है ना? इसका मतलब ये जो जीरो वाला केस है, ये जीरो वाला केस, दिस इज फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है. और ठीक इसका उल्टा, जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसमें 1 दे रखा है वो बेसिकली परफेक्टली इलास्टिक का है. दिस इज परफेक्टली इलास्टिक. और अगर तो इन इलास्टिक होगा तो बीच का कुछ वैल्यू दिया होगा. ठीक है, आपको ये समझ आया अभी तक? हाँ सर. ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच कैसे निकालेंगे, अब उसकी बात करते हैं. ठीक है, जस्ट कॉमन सेंस से थोड़ा सा सोच के देखो, कब हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच? ये आपको मोशन इन टू डायमेंशन में मैंने पहली बार कराया था, आपको याद है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच? हाँ सर. कैसे निकालते हैं, याद कराओगे? और वो एक बार याद करो कैसे निकालते हैं.
सर अगर दो बॉडी का रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम है उसके बाद फिर उसको कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ता है ना, हो तो सकता है ना कि वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में हो। हाँ सर। तो आप क्या करते थे उस केस में, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट्स ये करते कंसीडर करते थे एंड उसके बाद फिर रिवर्ट एंड ऐड लगा लेते थे, यही करते थे ना? यस है ना, बस वही चीज आपको अभी भी करना है। जैसे अगर सोच के देखो, अगर अगर मेरे पास ये सिचुएशन है, सोचो जैसे ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपको इजीली विजुअलाइज इससे हो जाएगा कि क्यों ले रहे हैं ऐसा, ठीक है। ये सबसे आसान सा एग्जांपल है जिससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। ये मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसी को ए कह लेते हैं और जो ग्राउंड का सरफेस इसी को बी कह लेते हैं, ठीक है, यही दोनों कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे लिए। अब इमेजिन करो कि हमने क्या कर रखा है, इसकी वेलोसिटी को ऐसा कुछ दे रखा है, मान लो इंक्लाइन करके इसको शूट कर रखा है, इधर ए को शूट कर रखा है ग्राउंड के सरफेस की तरफ, तो इसकी कुछ एक वेलोसिटी होगी यू वन मान लेते हैं, ठीक है। इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स भी ब्रेक कर दिया हमने, एक बोला वेलोसिटी का कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस है तो इसको यू पैरेलल कह दिया, और एक परपेंडिकुलर टू सरफेस है इसको यू परपेंडिकुलर कह दिया। अब खुद ही लॉजिकली सोच के देखो, वो बी को अप्रोच किसकी वजह से कर रहा है, यू परपेंडिकुलर। ये समझ आ रही है आपको, यू परपेंडिकुलर की वजह से ही अप्रोच कर रहा है, यू पैरेलल की वजह से अप्रोच नहीं कर रहा है, क्योंकि यू पैरेलल अकेला होता तब तो जस्ट पैरेलल ही शिफ्ट करता ना, क्या वो सेपरेट करता या अप्रोच करता क्या? नहीं सर, नहीं। इसका मतलब ये जो सेपरेशन एंड अप्रोच वेलोसिटी निकालनी है वो आपको कौन से कंपोनेंट से निकालनी है, द कंपोनेंट व्हिच इज अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन और नॉट। यस सर। आप देखो यहां पे, इसको अगर मैं ड्रॉ करूं यहां पे, ऐसे सोचो ये लाइन ड्रॉ किया है, क्या ये लाइन ऑफ एक्शन है या नहीं, खुद ही सोच के बताओ। हां सर। है सर। राइट, तो ये वाला लाइन को अगर दिखाओगे आप, सो दिस विल बी कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्शन। नाउ लाइन ऑफ एक्शन यही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो यू परपेंडिकुलर है उसी से आएगा, ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। सो रिमेंबर दैट, रिमेंबर दैट द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच हैज टू बी फाउंड आउट by using the concept of relative motion, concept of relative motion मतलब revert and add, ठीक है, relative motion amongst the components along line of action, ठीक है, समझ आई सभी को? Yes sir. Okay. अगर head on collision है तब तो वही सारे components हो जाएंगे, जैसे आप खुद ही सोच के देखो, जैसे imagine करो कि head on collision का case दिखा रहे हैं, ठीक है, ये मान लो कि आपका A है और ये मान लो आपका velocity u1 से move कर रहा था और ये मान लो आपका B दिखा रखा है हमने, let us say this is B और ये velocity u2 से move कर रहा था, this is before collision, ठीक है, आप खुद ही सोच के बताओ मुझे ये चीज, इसमें क्या आपको ये पता है कि u1 u2 में से कौन बड़ा होगा? नहीं नहीं 100% पता है, 100% पता u1 बड़ा होगा, क्योंकि collision हो रही है तो बता रखा है मैंने, पता कैसे नहीं होगा, पता है ना आपको? सॉरी सर, सॉरी सर, राइट, सो बिफोर कोलिजन का दे रखा है तो ऑब्वियसली यहाँ से ऑब्वियस है, देने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली यू वन हैज टू बी ग्रेटर देन यू टू एल्स वोंट कोलाइड, ठीक है। अब ये बिफोर कोलिजन का था, मान लेते हैं कि आफ्टर कोलिजन का डायग्राम दिखा रहा हूँ, तो इनकी वेलोसिटीज कुछ चेंज हो गई, लेट अस से यू नो ए का वेलोसिटी कुछ एक v1 हो गया है, दिस हैज बिकम v1 एंड बी का वेलोसिटी मान लेते हैं v2 हो गया है, ये जो डायग्राम दिखा रखा है मैंने ये आफ्टर कोलिजन का है, क्या आपको पता है कौन बड़ा होगा? v2 सेपरेट कैसे हुआ, सेपरेट होने के लिए तो v2 को बड़ा होना पड़ेगा, अगर v1 बड़ा होता तो कभी भी उसको सेपरेट नहीं होने देता, आर यू गेटिंग इट? यस सर।
So obviously, V2 is greater than V1, else they won't separate. ठीक है, अब आप रिवर्ट एंड ऐड का लॉजिक लगाओ. ठीक है, पहले वाले डायग्राम में देखो, बी पे बैठ जाओ और ए को देखो, तो क्या दिख रहा है आपको? अगर मैं बी पे अपना फ्रेम को फिक्स करूं, ये मेरी तरफ आ रहा है, तो ए तुम्हारी तरफ आता हुआ दिखेगा. ये वेलोसिटी को आपने यू टू उल्टा किया, तो आप बताओ मुझे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना दिख रहा है? गुड, सो दिस इज यू वन माइनस यू टू. ठीक है, इसको वेक्टोरियली लिख लेना तो ज्यादा कन्वीनियंट होगा. ठीक है, U1 माइनस U2, उसको फिर मैग्नीट्यूड ले लेंगे. ठीक है, अभी दूसरा डायग्राम में देखो कौन बड़ा था? V2. अब A पे अपने फ्रेम फिक्स कर लो. ठीक है, अब V1 को रिवर्ट करके ऐड करो, तो अब क्या दिख रहा है आपको? V2 माइनस V1. सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिकम्स मॉड ऑफ V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर. आपको समझ आई है? Yes, sir. तो अब जब लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो कंडीशन क्या बनता है आपके पास? V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, दैट विल बी इक्वल टू E टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ U1 वेक्टर माइनस ऑफ U2 वेक्टर. समझ आई आपको? Yes, sir. देखो लेफ्ट हैंड साइड में V2 माइनस V1 है, जबकि राइट हैंड साइड में क्या है? U1 माइनस U2 है. आपको दिख रहा है? हाँ सर. और लॉजिक आपको ऑलरेडी बताया क्यों किया ऐसा है ना. अगर ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहां पे दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आके मूव करके यू नो कोलाइड करें, जैसे U2 का डायरेक्शन को उल्टा कर दो. सपोजली U2 U1 की तरफ, मतलब U2 जो है वो U1 के ऑपोजिट होता, तब रिवर्ट एंड ऐड करते तो क्या होता? U1 प्लस U2 होता ना. हाँ सर. तो उस केस में U1 प्लस U2 लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने वेक्टोरियली लिखा है. देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? U1 वेक्टर माइनस U2 वेक्टर एंड देन मॉड. इसका मतलब क्या है? आपको रिवर्ट एंड ऐड अप्लाई करना है, चाहे जो भी केस हो, चाहे वो आगे जा रहा है, चाहे वो पीछे जा रहा है, कुछ भी केस हो, आपको रिलेटिव मोशन कंसेप्ट लगाना है एंड उसके बाद फिर लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाना है. समझ आइए आपको? यस सर. पक्का सबको समझ आ रहा है? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है, चलो अब मैं हेड ऑन कोलिजन. आपका मेजोरिटी केसेस में आता है, तो हेड ऑन कोलिजन को मैं ज्यादा स्पेसिफिकली यू नो एक केस की तरह आपको दिखा दे रहा हूँ. सो हेड ऑन कोलिजन, अब मैं इसको थोड़ा डिटेल्स में कंसिडर करूंगा. ठीक है, मैंने हेड ऑन कोलिजन का मतलब आपको बता दिया है, बट अब इसमें थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे. ठीक है, ये मैं डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ. थैंक यू. पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले कुछ स्टेजेस ऑफ कोलिजन दिखा रहा हूँ. ठीक है, कि क्या क्या कोलिजन का स्टेज होता है. ठीक है, व्हाट आर दी स्टेजेस इन्वॉल्वड इन कोलिजन? स्टेजेस ऑफ कोलिजन दिखा रहे हैं. एक है बिफोर कोलिजन का. ठीक है, सबसे पहले बिफोर कोलिजन दिखा रहे हैं. ये एक ऑब्जेक्ट, और ये मान लेते हैं हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट. इनको ही ए और बी कह लेते हैं. सिंस हम हेड ऑन कोलिजन की बात कर रहे हैं, तो दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ही होगा. तो U1 U2 ऐसे ही दिखा रखा हमने. ठीक है, दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन, ये फर्स्ट स्टेज है हमारा. ठीक है, मानी कोलिजन के जस्ट पहले का डायग्राम है. ठीक है, गैप जो आपको बड़ा दिख रहा होगा, बट इतना बड़ा गैप माइक्रोस्कोप के थ्रू है, बस इतना सोचो, इतना बड़ा गैप एग्जिस्ट नहीं करता. दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन, दिस इज द फर्स्ट स्टेज. सो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ये देखना है कि U1 का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन U2 है. ठीक है, उसके बाद फिर ये लोग जस्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, जहां पे डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है. व्हेन द डिफॉर्मेशन विल जस्ट स्टार्ट, तो डिफॉर्मेशन जब जस्ट स्टार्ट होगा, तो उस केस में आपको ये लोग परफेक्ट स्फीयर की तरह दिखेंगे क्या? आप सोच के देखो एक बार, क्या ये परफेक्ट स्फीयर की तरह दिखेंगे ना? तो उस केस में थोड़ा सा तो डिफॉर्म करना पड़ेगा आपको. तो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा डिफॉर्मेशन कर दिया. देखो मैंने ये थोड़ा सा डिफॉर्मेशन कर दिया. ठीक है, वैसे ही इधर से भी दूसरा भी ड्रॉ करेंगे. Are you getting the idea? Yes, sir. ठीक है, अभी डिफॉर्मेशन थोड़ी सी स्टार्ट हुई है. ठीक है, बट नॉर्मल रिएक्शन तो लगना शुरू हो गया ना. हाँ सर. कोई नहीं हुआ, तो यहाँ से इंपल्सिव फोर्सेस आने शुरू हो गए हैं. दिस इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, एंड इधर से भी नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू ए. ठीक है, तो इधर से ये स्लो डाउन हो गया होगा, ए स्लो डाउन हो गया होगा, तो इसको U1 डैश दिखा देते हैं,
और इसको यू टू डैश दिखा देते हैं. दिस इज जस्ट जस्ट इसको ऐसे दिखा देते हैं ड्यूरिंग स्टार्ट ऑफ डिफॉर्मेशन. तो अभी डिफॉर्मेशन जस्ट स्टार्ट होनी ही हुई है, ठीक है. तो U1 डैश और U2 डैश दिखाया है. तो एक चीज देख के आप डेफिनेटली बता सकते हो कि U2 डैश जो होगा वो ग्रेटर देन U2 हो जाएगा ना, बता सकते हो? हाँ सर. आप ये भी बता सकते हो कि U1 डैश लेसर देन U1 हो जाएगा? हाँ सर. यस सर. हाँ सर. बट आप अभी भी ये बता सकते हो कि U1 डैश ग्रेटर देन U2 डैश रहेगा, ये कैसे बताएंगे? क्योंकि मैंने बोला है ये, मैंने क्या बोला, दिस इज ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ डिफॉर्मेशन, मतलब डिफॉर्मेशन अभी भी हो रही है. और डिफॉर्मेशन हो रही है तो पीछे वाला तो आगे वाले से ज्यादा तेज मूव करेगा ही नहीं. हां सर. जब तक सोचो पीछे वाला आगे वाले से ज्यादा तेज मूव कर रहा है तब तक तो डिफॉर्मेशन बढ़ेगा ना. हां सर. हां देखो ये भी ध्यान करो कि पीछे वाला स्लो डाउन हो रहा है और आगे वाला फास्ट अप हो रहा है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा नहीं जब दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी. हां सर. तो उस स्टेज में क्या मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा क्या, सोच के देखो. अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, अब ये तीसरा स्टेज दिखा रहा हूं जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ गई होगी. अब यहाँ पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ गई है. आइए गिरेंगे. देखो डिफॉर्मेशन मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया है, दिख रही है आपको? हाँ सर. नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ गया होगा ना, क्योंकि स्प्रिंग जैसे ज्यादा दब जाता है तो फिर क्या होता है, ज्यादा फोर्स लगता है, नहीं लगता. हाँ सर. वैसे यहाँ पे नॉर्मल सर, ये U1 डैश U2 डैश से बड़ा क्यों होगा? आप खुद सोचो, डिफॉर्मेशन अभी बढ़ रही है ना या फिर हो खत्म हो गई डिफॉर्मेशन? सर बड़ा हो रहा है ना, तो डिफॉर्मेशन होने का मतलब क्या, पीछे वाला आगे वाले से ज्यादा तेज मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है? यस. वही चीज तो बताया मैंने, समझ आया आपको? यस सर. तो अब जब यू नो, जब दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो गई है, देखो मैं एक कॉमन वेलोसिटी दिखा रहा हूँ, देखो डीसी लिख रहा हूँ, दिख रहा है आपको? यस सर. दिस इज एट दिस एक्सटेंट ऑफ क्या, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन. दिस इज एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन. अब इसको मैक्सिमम डिफॉर्मेशन क्यों कहा, देखो आपको तुरंत पता चल जाएगा. तुम ये बताओ मुझे, अब नेक्स्ट स्टेज में जब हम वेलोसिटी ड्रॉ करेंगे तो बी का वेलोसिटी बीसी से ज्यादा होगा या नहीं होगा? हाँ सर होगा सर, क्योंकि फोर्स तो उसी डायरेक्शन में लग रहा है ना. और ए का वेलोसिटी बीसी बीसी से कम होगा या नहीं होगा? होगा सर. हाँ सर. तो देखो अब पीछे वाला जो है वो स्लो डाउन हो गया है और आगे वाला जो है वो स्पीड अप हो गया है, दिख रहा है आपको? हाँ सर. हाँ सर. अब डिफॉर्मेशन रिकवर होना शुरू होगा या नहीं होगा? यस सर. ठीक है, तो ये आपका चौथा स्टेज है. अब हमारा डिफॉर्मेशन जो है वो अब रिकवर होना स्टार्ट हो गया है. तो जो नेक्स्ट स्टेज हम ड्रॉ करेंगे तो क्या सेकंड स्टेज की तरह दिखेगा हमारा, दिखेगा नहीं दिखेगा? हाँ सर. बस अब वैल्यूज को अलग मार्क करना है. तो यहाँ पे U1 डबल डैश दिखा देते हैं और U2 डबल डैश दिखा देते हैं, ठीक है. ये है ड्यूरिंग रिकवरी ऑफ डिफॉर्मेशन. अब रिकवर हो रहा है, रिकवरी ऑफ डिफॉर्मेशन, समझ आ रही है आपको? तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप बताओ मुझे, व्हाट विल यू राइट? सिंस दे आर रिकवरिंग तो ऑब्वियसली U2 डबल डैश विल बी ग्रेटर देन U1 डबल डैश, राइट? यस सर. है ना? Yes, आप sir. ये भी लिख सकते हो कि U1 डबल डैश इज लेसर देन VC एंड U2 डबल डैश इज ग्रेटर देन VC. समझ आई आपको? यस सर. एंड फिर लास्ट में आप क्या करोगे, फिर दोनों को सेपरेट करता हुआ दिखा दोगे. तो ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया था उसी को एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं, फाइनली वो लोग सेपरेट कर जाएंगे. ये आपका लास्ट स्टेज है, दिस इज द लास्ट स्टेज. बस इसमें आप वेलोसिटीज को डिफरेंट मार्क करना है आपको. U1 U2 नहीं ले सकते, V1 V2 लेंगे. दिस विल बी V1 एंड दिस विल बी V2, ठीक है. दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है. और कोलिजन के बाद का सिचुएशन दिखा रहे हैं, मतलब V2 इज ग्रेटर देन V1. देखो कोई कंफ्यूजन है तो पूछो.
सर सेकंड और फोर्थ केस में जो एन ए बी और एन बी है वो क्या सेम ही रहेंगे? अगर आप एक स्प्रिंग को इमेजिन करो कि आप नेचुरल लेंथ से स्टार्ट करते हो और डिफॉर्म करते हो और उसके बाद फिर वापस से अनडिफॉर्म करके उसको इनिशियल लेंथ पे लेके जा रहे हो, तो जो डिफॉर्मेशन के वक्त जिस पोजीशन में थे और अनडिफॉर्मेशन के वक्त जिस पोजीशन पे हो, क्या सेम फोर्स नहीं जनरेट होगा? सेम फोर्स होगा जनरेट, हाँ सर। तो वही तो है, क्योंकि वो तो एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन से है ना, उसको मतलब उसको डायरेक्शन ऑफ मोशन से क्या मतलब है, समझ आ रही है? हाँ सर, मतलब एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन फोर्थ स्टेज को तो हम मतलब ड्यूरिंग द एंड ऑफ डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं ना, ड्यूरिंग जस्ट ड्यूरिंग द एंड ऑफ डिफॉर्मेशन। एंड ऑफ डिफॉर्मेशन तो तब बोलेंगे ना जब वो लोग पूरा अलग होने वाला होगा, चिपका के रखो बट एकदम डिफॉर्मेशन खत्म कर दो। अभी तो डिफॉर्मेशन अच्छा खासा दिख रहा है, पोस्ट स्टेज में तो डिफॉर्मेशन दिख रहा है ना मुझे अच्छा खासा। हाँ सर दिख रहा है। तो फिर एंड ऑफ डिफॉर्मेशन कैसे बोलोगे उसको? रिकवरी बोल सकते हैं ना आप उसको, एंड तो नहीं बोल सकते, एंड मतलब इसके बाद और नहीं हो रहा है, है ना? हाँ, वहां से भी अभी भी रिकवर कर रहा है। हाँ अभी भी रिकवर कर रहा है ना बेटा। ओके सर, ठीक है, समझ आ गया सबको? समझ आई है सभी को? सर अपने एन डैश क्यों लिखा थर्ड? क्योंकि वैल्यू डिफरेंट हो रही है ना, वैल्यू डिफरेंट हो रही है इसलिए। वैल्यू डिफरेंट होगी तो क्या लिखेंगे, सेम वैल्यू लिख दें। जैसे वेलोसिटी चेंज होगी तो फिर क्या होगा, सेम वैल्यू लिखोगे, पहले भी वी बाद में भी, अगर चेंज हो गया तो ऐसे करते हैं क्या? नो सर। तो वैसे ही है, अगर नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो रहा है, डिफॉर्मेशन चेंज हुई है तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज हुआ है, इससे अलग अलग वैल्यू लिख रहे हैं सर, फिर नॉर्मल हो जाएगा। हाँ नॉर्मल हो जाएगा, जब डिफॉर्मेशन रही दोनों के बीच में कांटेक्ट ही नहीं रहा तो फिर कैसे क्या फोर्स दिखाओगे? जब दोनों सेपरेट हो गए तो फिर आप फोर्स भी दिखाओगे, मतलब अलग हो गया फिर भी फोर्स दिखाना है आपको। नो सर, ठीक। ओके, अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये ध्यान रखना कि जब भी दो चीजें कोलाइड करती है, ठीक है, जब भी दो चीजें कोलाइड करती है, व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट्स आर कोलाइडिंग, तो उस केस में अगर डिफॉर्मेशन आनी है उन दोनों के बीच में, तो फिर डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा तब आती है जब दोनों की वेलोसिटी क्या होती है, कॉमन हो जाती है। ये समझ आई है ना आपको? ये समझ आई है आपको? यस सर। इस कंसेप्ट को आप बहुत जगहों पे यूज कर सकते हैं। जैसे ऐसे इमेजिन करो कि एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड है, ठीक है, एक ब्लॉक अकेला स्प्रिंग से कनेक्टेड है, वो मतलब एक एंड पे बंधा हुआ है, दूसरा एंड सोचो फ्री है, ठीक है। जैसे ऐसे इमेजिन करो यू नो कि एक ब्लॉक लिया, अच्छा इसको एक बार मैं करके देखा तो अपने हाथ से एक बार करके दिखाते हैं, कैमरा ऑन करने दो। इधर देखो, जैसे इमेजिन करो कि यहाँ पे एक ब्लॉक है और ऐसे सोचो कि इधर से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है इससे, ठीक है, ये जो पेन है ये इसको सोचो स्प्रिंग है। अब ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है, एक सरफेस पे ऐसे पड़ा हुआ है। इधर से क्या होता है कि इधर से एक ऑब्जेक्ट आता है, इसको टकराता है इसके साथ, इधर से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है इसके साथ टकराएगा। तो देखो, तो यहाँ पे इस स्प्रिंग को इस ऑब्जेक्ट का सिस्टम के साथ मानो, इमेजिन करो ये इसी ऑब्जेक्ट का एक एक्सटेंडेड पार्ट है, तो क्या डिफॉर्मेशन होगी नहीं? अभी होगी नहीं होगी, डिफॉर्मेशन तो होनी है इनके बीच में, राइट? तो इससे क्या होगा, इसका स्पीड बढ़ेगा और इसका स्पीड घटेगा, होगा नहीं होगा? हाँ सर। तो इसका बढ़ता जा रहा है, इसका घटता जा रहा है, बट इनिशियली तो पीछे वाला ही ज्यादा तेज था ना। हाँ सर। तो उस केस में क्या होगा, डिफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा, राइट? डिफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा, राइट? हाँ सर। और एक स्टेज आएगा जब डिफॉर्मेशन सबसे ज्यादा होगा, वो कौन सा स्टेज होगा? जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, राइट? यस सर। उसके बाद फिर अभी भी स्प्रिंग को कंप्रेस दिया, अभी भी स्प्रिंग कंप्रेस है, तो दोनों को अभी भी इधर पुश करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि इसको अभी और स्पीड अप करेगा और इसको स्लो डाउन कर देगा। तो अब कॉमन वेलोसिटी के बाद ये स्लो डाउन हो गया, तो अब क्या ये सेपरेट होंगे? समझ आ रही है? इसलिए ये कंसेप्ट को आप भूलना नहीं, इसलिए मैं उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करके दिखाया है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं, जो ऑब्जेक्ट टकराते हैं, तो उनके बीच में जब भी डिफॉर्मेशन मैक्सिमम की बात करते हैं, ये तब होता है जब दोनों की वेलोसिटी अलोंग दी लाइन ऑफ एक्शन कॉमन हो जाती है। समझ आ रही है? यस सर। ठीक है,
तो इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखना इसको, ठीक है? फ्रॉम स्टेज थ्री ऑफ कोलिजन वी लर्न दैट व्हेनेवर टू मासेस collide and maximum deformation between them is asked, it will happen if the velocity of colliding masses become identical along line of action. ठीक है, इसको याद रखना, ये उसी पॉइंट से रिलेटेड है, इस पे बेस करके आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ये मैं आपको करके बाद में दिखाऊंगा, अभी तो फिलहाल के लिए बस आपको थ्योरी ध्यान रखनी है. ठीक है, ओके चलो ठीक है. तो आपने स्टेजेस ऑफ कोलिजन तो देख लिया, स्टेजेस ऑफ कोलिजन में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बहुत टाइम इन्वेस्ट करके समझाया आपको, कोई डाउट तो नहीं होगा? नहीं सर, नहीं सर. ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है कि बिफोर कोलिजन सिचुएशन क्या है और आफ्टर कोलिजन सिचुएशन क्या है. ठीक है, तो मैं अब सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर बेस करके अब कुछ रिजल्ट बना रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी बिफोर कोलिजन का एक सिचुएशन है. आप बताओ मुझे, बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना होगा? And before collision and after collision, momentum same होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. हाँ sir. Before collision अगर लिखें तो momentum initially, इसको vector form में लिख रहे हैं, this will be m1 u1 plus m2 u2. ठीक है? मैंने m1 जो है वो mass of a लिया है और m2 जो है वो mass of b लिया है. ठीक है? मैं यहाँ पे mark भी कर देता हूँ. ये m1 है हमारा और ये m2 है. ठीक है? ये masses change नहीं करेंगे, वही रहेगा. ठीक है? और आफ्टर कोलिजन की अगर हम बात करें, आफ्टर कोलिजन, बीच के स्टेजेस अभी फिलहाल के लिए मतलब नहीं, मैं जस्ट आफ्टर की बात कर रहा हूँ. तो फाइनल मोमेंटम अगर सिस्टम का लिखोगे, क्या लिखोगे? m1 v1 plus m2 v2 लिखोगे ना? मैंने v1 v2 ही माना था, याद है आपको? हाँ सर. सो देयरफॉर मोमेंटम ऑफ सिस्टम की कांस्टेंट रहना, इसका थ्योरी ऑलरेडी आपको समझाया है, तो p इनिशियल शुड बी इक्वल टू p फाइनल गिव्स, क्या मिलेगा आपको? m1 u1 plus m2 u2 will be equal to m1 v1 plus m2 v2. ठीक है, ये आपका first equation हो गया. This is your first equation. और दूसरा equation कौन सा है हमारे पास? Law of restitution वाला. Velocity of separation should be equal to e times velocity of approach. So velocity of separation कितना था? आप एक बार जैसे यहाँ पे diagram को देख लो, revert and add करो. V1 slow है, तो V2 minus V1 है यानी, है ना velocity of separation? तो क्या लिखोगे यहाँ पे आप? V2 minus V1 and इसका ही magnitude लेना है. ठीक है, इसका ही magnitude लेना है and is equal to, यहाँ पे क्या लिखोगे आप? E times of velocity of approach. और velocity of approach कितना है? U1 minus U2, है ना? हाँ सर. तो इसको U1 minus U2 लिख लेंगे. This will be E times of U1 minus U2 कर लेंगे. एक छोटा सा बात पूछूं सर, ये लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या मतलब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड? एक्सपेरिमेंटल है बेटा, एक्सपेरिमेंटल है, न्यूटन का काम है इसमें. ओके ठीक है, एक्सपेरिमेंटल है ये. ओके, अब देखो आपके पास ये दो इक्वेशन जो आपने लिखा है, इसमें यू वन यू टू आपको दिया होगा और वी वन वी टू आपको निकालना होगा. तो वेरिएबल आपके पास दो ही है ना, वी वन वी टू है या नहीं है? यस सर. और दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, क्या आप सॉल्व कर सकते हैं इनको? हाँ सर. राइट, आराम से कर सकते हैं इनको सॉल्व. राइट, इनको आराम से आप सॉल्व कर पाओगे. इनको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या आती है. वो अगर आप याद रख सको तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद रख सको तो बस तुरंत से वैल्यूज डालना और तुरंत से निकल जाएगा. ये इतना कुछ डिफिकल्ट काम नहीं है.
जब वैल्यू लिखा रहेगा, जैसे m1 m2 का वैल्यू दिया हुआ है, u1 u2 का वैल्यू भी दिया हुआ है, तब इक्वेशन इतना लंबा नहीं दिखेगा, वो बहुत छोटा दिखेगा। जैसे 2 किलो का मास है 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो 2 इंटू 10 कर दिया 20 हो गया, फिर 1 किलो का मास है 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो 1 इंटू 10 कर दिया, तो ऐड करोगे तो फिर वो एक्सप्रेशन क्या होगा, छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, होगा ना? हाँ सर, ठीक है। तो इसलिए जस्ट यू नो इसका जो इनको सॉल्व करके जो रिजल्ट आता है वो मुझे याद है, मैं वो लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऑन सॉल्विंग व्हाट इज इट, ऑन सॉल्विंग One and two, we get जो फाइनली हमें मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलता है। V1 वेक्टर की वैल्यू आती है m1 minus of e m2 divided by m1 plus m2 into u1 वेक्टर plus 1 plus e m2 divided by m1 plus m2 into u2 वेक्टर। This is V1 vector. And similarly, अगर आप V vector निकालोगे, तो V2 vector becomes, ये symmetry से ही आप कह सकते हो, ये M2 minus of EM1 हो जाएगा। एक आपको याद करना है, दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा। M1 plus M2 into U2 vector and plus 1 plus EM1 divided by M1 plus M2 into U1 vector. ये आपका final expression है। मतलब v1 v2 की जो वैल्यूज आएगी सॉल्व करने के बाद वही आ जाएगी। ठीक है, ये वाले रिजल्ट्स यू नो जस्ट आप अगर अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गई तो इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है, बट अगर याद रहे आपको तो अच्छा है। ये झटपट आप यू नो हेड ऑन कोलिजन में जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके तुरंत से निकाल सकते हैं वैल्यूज को। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली याद रख सकते हैं, ज्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग वालों को इतना स्ट्रेस करके याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस दो इक्वेशन सॉल्व करना, जल्दी से निकालना, ठीक है। क्योंकि मेडिकल वालों के लिए टाइम बहुत ज्यादा कम रहता है, 1 मिनट 15 सेकंड आपके पास एक क्वेश्चन के लिए टाइम होता है, तो इसलिए बेटर ये होगा कि आप याद रख लें। इंजीनियरिंग वालों के लिए कम से कम 2-2.5 मिनट होता है, तो उसमें आप आराम से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये फाइनल रिजल्ट आ गए V1 V2 के। अब इसमें देखो, सिंस मैंने रेस्टिट्यूशन का लिया है वैल्यू, तो नॉर्मली रेस्टिट्यूशन जो है वो 1 से कम होगा, ये प्रैक्टिकली मान लेते हैं। तो रेस्टिट्यूशन अगर 1 से कम है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस भी तो होगा ना, होगा नहीं होगा? होगा सर। हाँ सर, तो काइनेटिक एनर्जी का अगर लॉस निकालना है तो क्या करेंगे आप? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है ये आप हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर करके निकाल लो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वन यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर करके निकाल लो, और इनिशियल माइनस फाइनल कर लो। फाइनल तो कम ही होगा ना, क्योंकि एक पार्ट तो डिफॉर्मेशन में चला गया होगा, होगा नहीं होगा? हाँ सर। तो इसीलिए अब मैं काइनेटिक एनर्जी का लॉस का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। एक्सप्रेशन लॉस का जब निकालोगे तो देखो इनके टर्म्स में एक्सप्रेशन देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आने वाला है, आपको दिख रहा है? हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, वी वन स्क्वायर करना है, दिख रहा है आपको? हाँ सर, बहुत गंदा है। फिर हाफ एम टू वी टू स्क्वायर करना है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो फाइनल रिजल्ट जो है ना वो बहुत सिंप्लीफाइड आ जाता है। तो फाइनल रिजल्ट जो सिंप्लीफाइड है वो रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। मैं सिंप्लीफाइड रिजल्ट ही यहाँ पे लिखूंगा, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, नेसेसरी का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी लॉस, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ऑफ सिस्टम। सो इसको के लॉस लिख लेते हैं। सो के लॉस विल बी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनली। इनिशियल मतलब हाफ एम वन यू वन स्क्वायर एंड प्लस हाफ एम टू इंटू यू टू स्क्वायर एंड माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो हाफ एम वन वी वन स्क्वायर एंड प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, ठीक है। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, मैं सब्स्टिट्यूट करने के बाद का जो रिजल्ट आएगा बस वो लिख दे रहा हूँ, आपको भी वही याद रखना है। Substituting V1 and V2 from result above and simplifying, we get, हमें जो finally मिलती है, ये बहुत important result है, आपको याद रखनी है। Kinetic energy का loss जो आएगा, that will be half of M1 M2 divided by M1 plus M2 into U1 vector minus U2 vector का square
एंड इनटू 1 माइनस ऑफ u स्क्वायर. ठीक है, m1 m2 by m1 plus m2, आपको याद आ रहा है ऐसा कुछ आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या? रिड्यूस्ड मास एक्सप्लोजन में बताया था. तो इसको क्या मैं म्यू सिंबल से इंडिकेट किया था वहां पे मैंने? हां सर. तो म्यू हो गया. अब एक चीज बताओ मुझे, u1 minus u2 क्या है? इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी है या नहीं? हां सर. तो इसको कैसे लिख सकते हैं? दिस इज u रिलेटिव का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ सर. एंड इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर. अब बताओ ये एक्सप्रेशन बड़ा है या छोटा है? छोटा सर. छोटा, ये काफी छोटा है. ये आप याद रख सकते हैं और ये याद रखना भी आपको, ये आप भूल नहीं सकते. ठीक है, इंजीनियरिंग मेडिकल सबको याद रखना है. ठीक है, ये रिजल्ट आपको एकदम बिल्कुल बाय हार्ट होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी की लॉस इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग कोलिजन कितनी है, ये आपको ध्यान रखनी है. हाफ म्यू इनटू यू रिलेटिव का स्क्वायर है. ये सब तो हेड ऑन के लिए है ना? अगर ऑब्लिक भी होगा तो आपको कंपोनेंट ब्रेक करके करना है, आपको बताया लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग. हां ओके सर. है ना, उस कंपोनेंट के साथ कैलकुलेशन करो, वो फिर से सेम आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या क्या चीजें हमने सिंबल यूज किए हुए. म्यू इज एम वन एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू. ठीक है, ये हो गया. दूसरा यू रिलेटिव. यू रिलेटिव इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ यू वन माइनस ऑफ यू टू, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग मासेस बिफोर कोलिजन. समझ आइए आप सभी को? यस सर. यस सर. ठीक है, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो e का वैल्यू कितना था? जीरो था ना? जीरो सर. हाँ. तो उस केस में हाफ म्यू इनटू यू रिलेटिव का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. हाँ सर. ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी कितनी स्टोर हुई है ड्यूरिंग कोलिजन, तो क्या आप बता सकते हैं? तो उस केस में भी कभी ना कभी तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आता है ना, है ना? वो डिफॉर्मेशन फिर रिकवर होता है, वो तो बाद की बात है. बट जिस स्टेज पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है, अगर मैं वहां तक ही कंपेयर करूं, तो क्या मुझे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की तरह दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये सोचे देखो. हाँ सर. तो इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस हुआ वो कितना हो गया? हाफ म्यू इनटू योर रिलेटिव का स्क्वायर, राइट? यस सर. और वही लॉस तो बेसिकली डिफॉर्मेशन एनर्जी में गया ही नहीं गया? हाँ सर, वही. हाँ सर. दैट्स इट. तो इसका मतलब आपको डिफॉर्मेशन एनर्जी भी निकालना आ गया. आगे नहीं आ गया? आ गया सर. हाँ सर. तो इसको भी जस्ट मैं लिख देता हूँ एक बार, आप ध्यान रखिएगा. In any collision, any लिख रहे हैं, ध्यान रखना. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ perfectly inelastic के लिए, मैं सब की बात कर रहा हूँ. क्योंकि जब आप compare करोगे उसको maximum deformation वाले stage से, तब तो perfectly inelastic की तरह दिखेगा. In any collision, during maximum deformation, a part of the kinetic energy of the colliding masses had been converted into deformation energy. Deformation energy, which can be found out by comparing the situation with a perfectly inelastic collision. Hence, maximum deformation energy
is equal to k log the maximum value, and that will be half of mu into u relative to square. And ek liye humne since e ka value ko zero dala hai. ठीक है, समझ आ गई सभी को? Yes. हाँ सर. ओके, अब हेड ऑन कोलिजन के कुछ स्पेशल केसेस हैं जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं, वो मैं आपको एक बार करा देता हूँ एक एक करके. स्पेशल केसेस ऑफ हेड ऑन कोलिजन. पहला केस है टारगेट मास इज मैसिव. टारगेट मास मान लो आपको मैसिव दिया हुआ है एंड ठीक है, टारगेट मास इज मैसिव बस इतने दिया हुआ है. ठीक है, मैसिव कहने का मतलब क्या है? बहुत हैवी है. Yes. नहीं है? हाँ सर. अच्छा आप बताओ मुझे, ये डायग्राम एक बार देखो, एक बार इसमें टारगेट किसको बोलोगे? ए और बी में से टारगेट किसको बोलोगे? बी सर. बी. बी को बोलेंगे. ए देखो पीछे से आके बी को स्ट्राइक कर रहा है, तो टारगेट मास बेसिकली आपका बी हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब एम टू इज वेरी लार्जर देन एम वन, यही तो कह रहा हूँ ना मैं. ठीक है, तो इस कंडीशन को मैं यूज करके इससे वैल्यू यूज करूंगा. ठीक है, इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे जो येलो कलर से शेड दिख रहा है इसको मैं यूज करूंगा, और M2 बहुत बड़ा है M1 से, ये ध्यान रखेंगे. ठीक है, तो मैं पहले वो कंडीशन लिख दे रहा हूँ. सो M2 इज वेरी ग्रेटर देन M1. ठीक है, मतलब ऐसा सिचुएशन जैसे सोचो कि एक बॉल और ट्रक के बीच में कोलिजन हो रही है, या फिर एक बॉल और वॉल के बीच में कोलिजन हो रही है. तो उस केस में एक का मास दूसरे के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है या नहीं है? सर. ठीक है, तो ये कंडीशन आपको यूज करनी है. अब आपके पास एक्सप्रेशन क्या था वो एक बार मैं यहाँ से फिर से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ताकि आपको जस्ट देखने में आसानी हो. ठीक है, मैं इसको यूज कर लेता हूँ एक बार. ठीक है, अब इसको यूज करो. आप देखो सबसे पहला एक्सप्रेशन को देखो, एम वन माइनस ई एम टू जो दिया हुआ है. ठीक है, आपको ऑलरेडी ये पता है कि M1 जो है वो M2 से बहुत छोटा है, तो जब आप M2 के साथ M1 को सब्ट्रैक्ट करते हो या ऐड करते हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? जैसे 1000 किलो में सोचो, 1000 किलो में आपने 1 किलो ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर. नहीं, इसका मतलब जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है देखो V1 का, M1 माइनस ई एम टू बाई M1 प्लस M2 का जो एक्सप्रेशन है उसमें आप न्यूमरेटर का M1 जो है और डिनोमिनेटर का जो M1 है, क्या उसको इग्नोर कर सकते हैं? नहीं. हाँ सर, कर सकते. हाँ सर. तो ये एक्सप्रेशन में अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा आप ये बताओ मुझे. अप्रोक्सीमेटली क्या ये माइनस ऑफ E इनटू U2 आएगा? क्या आएगा फर्स्ट एक्सप्रेशन की? सॉरी U1. सॉरी U1. हाँ 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 सर. आएगा ना? हाँ सर. M2 कट जाएगा. हाँ सर. ठीक है, अब दूसरे वाले एक्सप्रेशन की बात करो जो प्लस वाला, प्लस के साथ क्या है? न्यूमरेटर में M2 है और डिनोमिनेटर में भी M2 है, क्योंकि M1 plus M2 is almost M1, M2, right? Yes, sir. इसका मतलब ये एक्सप्रेशन कितना आएगा आप सोचो, 1 plus E times of U2, क्या यही आएगा? हाँ सर. है ना, समझ आया आपको? हाँ सर. ऐसे कंडीशंस को आपको यूज करना है. अब आप सेकेंड वाले एक्सप्रेशन पे आओ. ठीक है, सेकेंड वाले एक्सप्रेशन पे आओ. अब इसमें कंडीशन यूज करो फिर से वैसे ही, M2 माइनस ई एम वन बाई एम वन प्लस एम टू. फिर से ये क्या हो गया, क्या ये सिर्फ U2 बचा क्या यहाँ पे? बचा, क्योंकि न्यूमरेटर में भी M2 है और डिनोमिनेटर में भी M2 है, तो आपस में कट गए. M1 का कोई रोल ही नहीं है वहां पे. ठीक है, एंड प्लस अब यहाँ पे 1 प्लस ई एम वन बाई एम वन प्लस एम टू है. तो अब ये सोच के देखो आप, एम वन और एम वन, न्यूमरेटर में तो एम वन है और डिनोमिनेटर में एम टू है ना, तो एम वन बाई एम टू क्या बहुत छोटा नंबर आएगा? हाँ सर. जैसे सोचो कि अगर आप एक बॉल के साथ एक ट्रक को कोलाइड करवा रहे हो,
तो बॉल का मास बाय ट्रक का मास नेग्लिजिबल होगा या नहीं होगा? हाँ सर होगा। हाँ सर। तो क्या ये सेकंड एक्सप्रेशन, क्या ये सेकंड एक्सप्रेशन को हम इग्नोर कर सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। देखो तो वी टू की वैल्यू क्या आ रही है, ऑलमोस्ट यू टू आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ सर। क्या ये एक्सपेक्टेड था या नहीं था सर? क्या ये एक्सपेक्टेड था या नहीं था, सोच के देखो, वॉज दिस एक्सपेक्टेड और नॉट? यस सर। हाँ सर एक्सपेक्टेड। मतलब ये सोच के देखो, अगर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके थॉट प्रोसेस में कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक बॉल से चाहे जितना भी तेज फेंक के मारू, अगर ट्रक की तरफ फेंक के मारू, तो क्या ट्रक का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा प्रैक्टिकली? नहीं सर। नो सर। नहीं नहीं, एग्जैक्टली यही कंडीशन को आपको यूज करना है। सो यू आर नॉट सपोज टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक एंड देन जस्ट चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो जैसे सोचो कि जो मैं बोल रहा था कि आफ्टर कोलिजन भी मेरे पास दो वेरिएबल है, v1 v2, क्या दो वेरिएबल रहा या एक ही वेरिएबल बचा? एक ही वेरिएबल सर। एक ही वेरिएबल, क्योंकि एक का वैल्यू तो आपको पता है कि अनचेंज्ड है, तो एक ही वेरिएबल बचा ना, तो उसी का तो वैल्यू निकालना है। अब उसका वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, बस लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो। मतलब v1 का वैल्यू इसमें जो मैंने निकाला है ना, उसको याद नहीं करो, आप उसको क्या करो, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करके बस कैलकुलेट कर लो। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Once you've got this, इससे आप ये conclusion draw कर रहे हैं, velocity of massive object almost remains unchanged. Hence, using this data, we can easily find out v1 vector using law of restitution. That's it. तो उसको याद करने का जरूरत नहीं है, बस इसको याद रखो कि मैसिव ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज नहीं करता है और बाकी दूसरे का हम निकाल लेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। जैसे इमेजिन करो, ये छोटा सा एक एप्लीकेशन आपको दिखा रहा हूँ इसी कंसेप्ट पे बेस करके। जैसे ये ट्रक वाला एग्जांपल ले लीजिए जो आपको बता रहा था मैं। ये इमेजिन करो कि एक ट्रक है और ट्रक का मास देने का जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आप ट्रक है तो ऑब्वियसली आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये मैसिव होगा। ये मान लो आपका 40 kph से भाग रहा है, और इमेजिन करो कि यहाँ पे एक बॉल मैंने दिखा रखा है, ये बॉल जस्ट कोलाइड करने वाला है, ठीक है? मतलब इतना दूर गैप मत मानना, ठीक है? ये जस्ट इमेजिन करो कि जस्ट कोलाइड करने वाले के पहले का सिचुएशन है। एंड ये मान लो किसी ने इसको इसकी तरफ फेंक रखा है, और ये मान लो कि 60 kph से आ रहा है, ठीक है? मान लो इसमें ये गिवन है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये आपका हाफ है, ठीक है, 0.5 दे रखा है। तो अब पूछा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, ठीक है? अब ये निकालनी है। तो अब क्या करो, यहाँ पे आप ऐसे सोचो कि ये बॉल आया, टकराया एंड देन रीबाउंड कर गया, ठीक है? इसकी वेलोसिटी को v मान ली मैंने, ये तो पक्का है ना, v 40 से तो बड़ा है, तभी तो सेपरेट कर रहा है, राइट? हाँ सर। तो क्या करना चाहिए हमें, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन शुड बी e टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिवर्ट एंड ऐड का फॉर्मूला लगाओ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ट्रक में बैठो और बॉल को देखो जब जा रहा है तब, तो वेलोसिटी कितनी दिख रही है, v माइनस 40 दिख रही है आपको? Yes, दिख रही है। एंड e का वैल्यू हाफ है, हाफ टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। फिर से ट्रक में बैठो और रिवर्ट एंड ऐड अप्लाई करो, 60 प्लस 40 दिख रहा है क्या, रिवर्ट एंड ऐड, राइट? हाँ सर। देखो आपको v मिल गया क्या, तो v इज कमिंग आउट टू बी इधर से तो 50 हो गया, 50 प्लस 40 90 हो गया, तो 90 kph से ये रिटर्न कर गया।
समझ आया आप सभी को? हाँ सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें आपने क्या सीखा है, क्या सीखा है वो ध्यान रखो। ये मैंने आपको एक केस जस्ट बताया है कि जिसमें यू नो जो तो मतलब एक एक टारगेट मास जो है वो अपना मैसिव होता तब क्या करते हैं। अब दूसरा एक स्पेशल केस आपको बता रहा हूं। द केस इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन आइडेंटिकल मासेस। अगर आइडेंटिकल मासेस हैं और उनके बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होती है, मतलब अगर इसको मैथमेटिकली लिखें, जो मैंने लिटरेचर में लिखा है इसको मैथमेटिकली लिखें, तो गिवन क्या है, e का वैल्यू 1 और m1 इक्वल टू m2, यही लिया है ना, राइट? हाँ सर। ठीक है, ये केसेस, ये जो केसेस मैं बता रहा हूँ ये ध्यान रखना, आप हेड ऑन कोलिजन का ही स्पेशल केसेस बता रहा हूँ, ठीक है? अच्छा लिख भी देता हूँ, तो आप बाद में इंटरप्रेट नहीं करोगे। परफेक्ट इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है, ठीक है, हेड ऑन, परफेक्ट इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन बिटवीन आइडेंटिकल मासेस। ओके, फिर से इस एक्सप्रेशन पे एक बार जाते हैं। हाँ, इस एक्सप्रेशन को देख लो, आप ये बताओ e का वैल्यू अगर 1 डाल दिया तो m1 माइनस m2 जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ सर, होगा। हाँ सर। और जो दूसरा एक्सप्रेशन में देखो, 1 प्लस e, 1 प्लस e तो 2 हो गया ना? हाँ सर। 1 प्लस e हो गया 2, 2m2 and divided by m1 plus m2, m1 m2 सेम है, तो डिनोमिनेटर भी 2m2 है या नहीं है? हाँ सर। तो न्यूमरेटर भी 2m2, डिनोमिनेटर भी 2m2, कट गया, तो क्या सिर्फ u2 बचा? यस सर। मतलब v1 का वैल्यू आ गया u2 और v2 का वैल्यू क्या आ गया u1, आया? यस सर। हाँ सर। इसका मतलब इस डेटा को यूज करके मुझे जो डेटा मिल रहा है वो मुझे ये मिल रहा है कि v1 का वैल्यू u, v1 का वैल्यू u, सॉरी v1 का वैल्यू u2 हो जा रहा है एंड v2 का वैल्यू u1 हो जा रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी स्वैप हो रही है ना, है ना? हां सर। वेलोसिटी गेट्स स्वैप्ड। ये अगर मैं आपको थोड़ा सा चीज बोलूं तो आपको शायद याद हो जाएगा, मतलब जस्ट आपको याद आ जाएगा कि ऐसा देखा है आपने। कैरम ही तो आपने खेला है, आपने कभी ना कभी तो गोटी से गोटी को मारा होगा। हाँ सर। दो गोटी आइडेंटिकल मासेस है या नहीं है? हाँ सर। उनके बीच में कभी हेड ऑन कोलिजन करके आपने देखा है कि जो जिसको आप मारोगे वो जब जाके दूसरे से टकराता है ना, तो वो रुक जाता है और दूसरा चलने लगता है? हाँ सर। ऑब्जर्व किया है कभी? हाँ, अगर नहीं ऑब्जर्व किया तो कैरम में ये ट्राई करके देखना, ये दिख जाएगा तुमको। यस सर। तो इसका मतलब ये वो वाले केस को कवर अप कर रहा है, बट ये ध्यान रखना कि ये इलास्टिक कोलिजन हेड ऑन के लिए है। अगर हेड ऑन नहीं हुआ, ऑब्लिक हुआ, तो अब आप क्या कर सकते हो, जो कंपोनेंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन है उसको स्वैप कर सकते हो और दूसरा कंपोनेंट तो अनचेंज जाएगा। समझ आया क्या बोला मैंने आपको? समझ आया? ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, इन केस ये लिख दे रहा हूं, इन केस, इन केस इट्स एन इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन बिटवीन आइडेंटिकल मासेस देन द कंपोनेंट of velocity along line of action gets swapped and not the entire velocity, not the net velocity. ठीक है, आपको याद रहेगा? हाँ सर। ठीक है, ये आपका सेकेंड रिजल्ट था जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तीसरी, टारगेट मास कई बार आपको स्टेशनरी दे देते हैं और कोलिजन एकदम परफेक्टली इलास्टिक दे देते हैं,
target stationary and collision head on perfectly elastic. मतलब जो डेटा दिया है मुझे उसके अकॉर्डिंग अगर मैथमेटिकली लिखे तो टारगेट तो बी था तो उसका इनिशियल वेलोसिटी में जीरो लेना है एंड इलास्टिक दे रखा है मतलब कोफिशिएंट ऑफ रिसिप्रोकेशन मुझे वन लेनी है. इनकी वैल्यूज यूज करोगे तो जब वी वन और वी टू की वैल्यू मिल जाएगी वही जो मैथमेटिकली मैंने जो रिलेशन निकाला था उससे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. एम वन माइनस ई एम टू सो एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू इन टू यू वन और दूसरा वाला टर्म था यू टू के साथ और यू टू तो जीरो है ना हाँ सर ठीक है तो वो वाला लिख ही नहीं रहे ठीक है. फिर वी टू वैसे ही निकालोगे तो वी टू था एम टू माइनस ई एम वन और वो था यू टू के साथ तो वो तो जीरो हो जाएगा बट दूसरा वाला टर्म था वन प्लस ई एम तो वन प्लस ई एम वन तो वन प्लस ई मतलब टू टू टाइम्स ऑफ एम वन एंड डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू एंड इन टू ये हो जाएगा आपका यू वन ठीक है. ये वी वन वी टू मिल गया. अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकते हैं जैसे व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय एम वन अगर ये पूछ लिया आपसे फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय एम वन मतलब उसके पास कितना फ्रैक्शन रह गया है पहले का तो ये क्या लिखोगे आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम वन आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम वन बिफोर कोलिजन क्या यही लिखोगे नहीं लिखोगे लिखोगे तो क्या ये सिंपली वी वन बाई यू वन का स्क्वायर आएगा नहीं आएगा क्योंकि हाफ एम तो दोनों के लिए कॉमन होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए होगा ना हाँ सर. और देखो वी वन बाई यू वन का वैल्यू क्या ये एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर है या नहीं है देखो तो अरे ये तो रहा इससे दिख जाएगा ये तो रहा ये वाला एक्सप्रेशन से दिख सर ठीक है तो ये वाली वैल्यू मिल गई आपको. अब अगर किसी ने आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ट्रांसफर्ड टू एम टू अब ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड टू एम टू तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम टू आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम वन बिफोर कोलिजन लिखेंगे नहीं लिखेंगे हाँ सर तो क्या इसको ऐसे लिखना चाहिए मुझे हाफ ऑफ एम टू इंटू वी टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एम वन इंटू यू वन का स्क्वायर ऐसा लिखना चाहिए राइट Yes, और देखो v2 by u1 देखो ऊपर में ऑलरेडी मिल जाएगा आपको यहाँ आ रही आपके पास m2 by m1 एंड इसके साथ आ रही आपके पास 2m1 by m1 plus m2 एंड इसका होल स्क्वायर अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये आ रहा है 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 एंड इसका होल स्क्वायर देखा आपको हाँ सर. ये आप एक और तरीके से निकाल सकते थे जो पहले ऊपर का फ्रैक्शन मैंने निकाला है अगर मैं वन से उसको सब्ट्रैक्ट कर देता तो क्या यही आता सोचो जो मैंने फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय m1 निकाला है फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय m1 अगर ये फ्रैक्शन में वन से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू m2 मिल जाएगा ना आपको हाँ सर सबको समझ आ रही है यस ठीक है.